हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज इकरा मेमन और आज हम पढ़ने वाले हैं यूनिट नंबर 2 दिल्ली थ्रू द एजेस का। यूनिट नंबर 1 हम पहले फिनिश कर चुके हैं, इसका वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ मैं यूट्यूब चैनल पे। अब जो है हम यूनिट नंबर 2 की शुरुआत करते हैं और ये चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। इसमें हम पढ़ेंगे सेटलमेंट टू सिटीज केव अंडरस्टैंडिंग 10th एंड 14th सेंचुरी सिटीज ऑफ दिल्ली। इसमें हम समझेंगे आनंदपुर फोर्ट के बारे में, दिल्ली कूना मस्जिद के बारे में, मस्जिद जामी जिसको कुबतुल इस्लाम मॉस भी कहते हैं, ग्यासपुर किलोखड़ी के बारे में समझेंगे, सीरी के बारे में समझेंगे, तुगलकाबाद के बारे में समझेंगे और फिरोजाबाद के बारे में समझेंगे। फिर समझेंगे कि दिल्ली जो है कमर्शियल सेंटर कैसे बनता है। उसके बाद हम समझेंगे कि इम्पीरियल कैंप जो है, जैसे कि दिल्ली जो है एक इम्पीरियल कैंप के तौर पर मतलब यू नो बनकर आता है, जैसे कि खलजी के टाइम पर और तुगलक के टाइम पे, वो हम समझेंगे। कुतुब कॉम्प्लेक्स के बारे में समझेंगे और कुतुब मॉस के बारे में भी समझेंगे। अब शुरुआत करते हैं इस चैप्टर की। अब देखिए, पहले भी जो है आपको बताया जा चुका है आपने अगर फर्स्ट चैप्टर समझाया तो, कि दिल्ली कोई एक टाउन नहीं है बल्कि बहुत सारे अर्बन सेटलमेंट का कॉन्ग्लोमरेशन है। और जैसे कि एक अरब ट्रैवलर आते हैं शिहाबुद्दीन अल उमरी, वो बताते हैं 14th सेंचुरी में वो इंडिया में आते हैं, वो बोलते हैं कि दिल्ली कोई एक टाउन नहीं बल्कि बहुत सारे टाउन का जो है मिक्सचर है, और दिल्ली का जो नाम उनका है वो सब टाउन के लिए जो है काउंट किया जाता है। तो वैसे ही हम सारे टाउन समझेंगे दिल्ली के अंदर किस तरीके से डेवलप होते हैं। पहली बात करते हैं आनंदपुर फोर्ट के बारे में, जिसको हम आरंगपुर या अनेकपुर भी कहते हैं, और ये माना जाता है कि दो रूलर द्वारा डेवलप किया गया है। मैंने आपको पहले बताया था पहले वाले वीडियो में कि तोमार डायनेस्टी में आनंदपाल तोमार द्वारा जो है फाउंड किया गया, लेकिन दो रूलर्स थे अलग अलग टाइम पे, एक थे 8th सेंचुरी में एक थे 11th सेंचुरी में। कन्फ्यूजन ये रहता है कि आनंदपाल फर्स्ट द्वारा या आनंदपाल तोमार द्वारा सेकेंड द्वारा फाउंड किया गया, ठीक है। तो जैसे कि एक कॉन्ट्ररी ऑफ ओपिनियन रहता है, सैयद अहमद बताते हैं कि आनंदपाल फर्स्ट द्वारा फाउंड किया गया है, कनिंगम बताते हैं कि आनंदपाल सेकंड द्वारा फाउंड किया गया है 11th सेंचुरी में, ठीक है। अगर हम बहुत सारी चीज़ों को समझे, ठीक है, और जैसे कि बहुत सारे कॉपर कॉइन वगैरह जो है हम समझने की कोशिश करें तो हम एग्जैक्ट डेट तो नहीं बता सकते, ठीक है। इसलिए हमने पहले ही सब चीज़ें डिस्कस कर ली है फर्स्ट चैप्टर में कि राजपूत किंग जो थे आनंदपाल तोमार, वो जाते हैं सूरजकुंड के एरिया में, वहां पर जाकर जो है वो पिल्लर जो है गाड़ते हैं। जो पिल्लर वो कहाँ से निकाल के लाए थे, वो हमें नहीं पता, हमें सिर्फ इतना पता है कि वो निकाल के लाए थे कहीं से, ठीक है। और वो जिसने बनाया था उसका नाम चंद्र था, लेकिन वो चंद्र कौन सा था, चंद्रगुप्त था, चंद्रगुप्त 1 था 2 था, वो सब हमको नहीं मालूम, लेकिन फिर भी हमने ऐसा अंदाजा लगाया कि गुप्ता डायनेस्टी का चंद्रगुप्त सेकंड हो सकते हैं, ठीक है। फिर ये भी डिस्कस कर लिया हमने कि तोमार ने किस तरीके से अपना कैपिटल जो है आनंदपाल फोर्ट से शिफ्ट कर दिया, जो कि सूरजकुंड में था, तो किस कहाँ पर शिफ्ट कर दिया, लालकोट में शिफ्ट कर दिया, यहाँ पर आज के टाइम पे कुतुब मॉस्क है। और उसके बाद मैंने आपको बता दिया कि पृथ्वीराज चौहान के बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि पृथ्वीराज चौहान ने वहाँ पर जाकर जो है मतलब जो है किला राय पिथौरा का फॉर्मेशन किया, ये बहुत कॉमन सी चीज़ें हम ऑलरेडी समझ चुके हैं, ठीक है। और पृथ्वीराज चौहान जो है जिसको हम चाहमाना डायनेस्टी भी कहते हैं बेसिकली, और वो अजमेर के रूलर थे, और उनके जो है मतलब उनके ऑफकोर्स की बात है जो लड़ाई हुई थी वो किसके बीच में हुई थी, एक तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये हुई थी कि 1191 में भी लड़ाई हुई थी, एक तो फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन, एक जो है सेकंड बैटल ऑफ तराइन, तो एक मोहम्मद गोरी के साथ होती है, एक दूसरी गजनवी के साथ होती है, ठीक है। तो 1192 के अंदर आपको देखने को मिलता है कि यहाँ पर जो है वो हार जाते हैं फाइनली पृथ्वीराज चौहान, और पावर किसके हाथ में चल जाती है, गजनवी के हाथ में चल जाती है, और जो है एस्टेब्लिश हो जाता है मुस्लिम रूल इंडिया के अंदर। अब हम कह सकते हैं कि इस टाइम पर जो है आपको देखने को मिल रहा है कि जो किला राय पिथौरा है उसका क्या मतलब है, राय पिथौरा फोर्ट, और राय पिथौरा फोर्ट का फर्स्ट मेंशन हमें कहाँ मिलता है, एनी अकबरी की बुक में। एनी अकबरी किसने लिखी थी, अबुल फजल ने लिखी थी, कौन सी सेंचुरी में लिखी थी, 15th-16th सेंचुरी में लिखी थी, जब अकबर के कंटेम्प्रेरी में, ठीक है। तो वो सब चीज़ें रिलेटेड है, थोड़ा सा हिस्ट्री को आप रिलेट करके पढ़िए, उसके बाद आपको समझ में आता है मतलब आज के टाइम पे सबसे पुराना अगर जो सिटी है वो कौन सी है, मैरोली बोल सकते हो उसको, राय पिथौरा बोल सकते हो उसको, आप लालकोट कह सकते हो। तो चौहान रूलर जो है अजमेर के, जिनका नाम था विग्रहराज फोर, उन्होंने दिल्ली का जो है तोमर के हाथों से छीन ली थी। फिर उनके ही ग्रैंडसन जो है पृथ्वीराज आते हैं, और जिन्हें हम राय पिथौरा के नाम से जानते हैं, और वही आके जो है किला राय पिथौरा को जो है बनाते हैं। कहाँ पर बनाते हैं, लालकोट की जगह पे बनाते हैं, और आज के टाइम पे ये जगह कहाँ पर है, कुतुब मॉस्क के पास है, जो कि कुतुब मीनार के अंदर है, ठीक है। अगर आप गए हो घूमने के लिए तो आप रिलेट कर पा रहे होंगे, अगर नहीं घूमने गए हो तो फोटोज से आप जो है वो रिलेट कर लो। अब देखिए, ये जो फोर्ट है ये कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा बनाया चालू करा गया, मतलब देखिए कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा शुरू किया गया था,
ज़्यादातर जो काम किया गया है कुतुब मीनार पे वो इल्तुतमिश द्वारा काम किया गया है, ठीक है। और मतलब करीबन 4 सेंचुरी तक के बना है ये, ऐसा नहीं कि 1 सेंचुरी में ख़त्म हो गया, ठीक है। और अगर हमें जो सल्तनत पीरियड में जो इंस्क्रिप्शंस मिलती है ना, वो बताती है कि दिल्ली जो है वो हरियाणा का पार्ट है। अब हरियाणा आपको मालूम है आज के टाइम पे स्टेट है, लेकिन दिल्ली उस टाइम पे तो बताया जा रहा है हरियाणा का ही पार्ट है। और एक सूफी पोइट थे मुल दौड़, वो बताते हैं कि फिरोज शाह जो है सुल्तान है दिल्ली के। अब दिल्ली ऑफकोर्स ये बात है, मतलब उस टाइम पे लोगों को पता थी, ठीक है, जब सुल्तान थे तो दिल्ली जो है उस टाइम पे चल रही थी बहुत टाइम से, और इंस्क्रिप्शन में भी हमको देखने को मिलता है। और ऐसा माना जा सकता है कि दिल्ली जो है ना वो दिल्ली कैसी बन गई, क्योंकि अरबिक और पर्शियन में कंपाउंड वर्ड्स नहीं चलते, जैसे कि ध थ इस तरीके के वर्ड्स नहीं चलते, इसलिए जो है ना कहीं दिल्ली जो है मतलब दिल्ली जो है वो दिल्ली बन जाती है। अब दिल्ली है कूना मस्जिद जामी, जिसको हम इंडिया की नहीं दिल्ली की हम फर्स्ट कॉन्ग्रिगेशनल मॉस्क कहते हैं। और ये जो है स्टैब्लिश करी गई थी ऑफकोर्स की बात है कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा, उसके बारे में हम और ज़्यादा समझेंगे। तो ऑफ कोर्स ही बात है, मैंने आपको बताया कि जो डायनेस्टी शुरू हुई थी वो कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा रूल की जा रही थी, बिकॉज जो गोर थे उन्होंने लड़ाई करके चले गए, लेकिन उन्होंने जो है लड़ाई जो है लड़ने के बाद उन्होंने रूल नहीं किया। और उनका जो गवर्नर थे, वैसे गवर्नर थे कुतुबुद्दीन ऐबक, क्योंकि वो उनको स्लेव पे सबसे ज़्यादा भरोसा था, उन्होंने उनको जो है पूरे रूलर की तरह बना दिया था, तो वही रूल कर रहे थे। और फिर उनकी डेथ होने के बाद फाइनली 1206 AD में आपको देखने को मिलेगा कि फाइनली वो और ज़्यादा अच्छा उनका रूल जो है बन जाता है। और उस टाइम पर उन्होंने जो शुरुआत की थी रहने की, वो कहाँ पर की थी, प्रेजेंट डे लाल कोट, प्रेजेंट डे किला राय पिथौरा। अब हमको देखने को मिलता है कि पूरा तरीके से जो यू नो एंटायर ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है, तो मतलब जो किला राय पिथौरा का जो मतलब दीवारें रहती है ना, ऐसी दीवारें देखी समझी, मैं वो दिखाती हूँ, ये जो है ना दीवारें हैं, ठीक है, समझ जाइएगा आप मेरी ड्राइंग को। तो ये दीवारें हैं, ठीक है, दीवारों के अंदर से जो है ना 13 गेट करे गए, मतलब ऐसा नहीं कि एक ही दीवार थी इसलिए तो 13 गेट कैसे हो गए, तो 13 गेट करने के लिए बहुत सारी दीवारें थी, ठीक है, दूर दूर तक के, तो वो दीवारों में जो है ना 13 गेट करे गए, ठीक है। 13 गेट किसके द्वारा किए गए, ये जो है सुल्तान के द्वारा किए गए। और जो मेन एंट्रेंस था उसको बदाउन गेट कहते थे, ठीक है। और एक इंस्क्रिप्शन है मस्जिद जामी के अंदर, जब आप जाते हो एंट्रेंस पे एक इंस्क्रिप्शन लगी हुई है, वो क्या बताती है, वो इंस्क्रिप्शन जरा हम समझते हैं। तो वो बताते हैं कि जो फोर्ट्रेस है, ये फोर्ट्रेस को जो है कैप्चर किया गया और मस्जिद जो है बनाई गई किस ईयर में, 587 AD में, क्योंकि 587 AD मतलब मुस्लिम कैलेंडर के अकॉर्डिंग। उसके बाद हम देखते हैं कि माइटी कमांडर इन चीफ कुतुबुद्दीन द्वारा बनाया गया, ऑफकोर्स ही बात है, और ऐबक मतलब जो कि ऐबक सुल्तान है, और बाकी वगैरह सब चीज़ें यहाँ पर आपको देखने को मिलती है। अब देखिए इसका जो नाम होता है ना मस्जिद जामी पड़ता है, मस्जिद जामी को कुतुब मॉस भी कहते हैं, कुवतुल इस्लाम मॉस भी कहते हैं, बाद में जाके इसका नाम कुवतुल इस्लाम हुआ। कुवतुल इस्लाम मतलब माइट ऑफ इस्लाम, एंड कुतुब मॉस्क मतलब देखिए एक्सिस जो होता है ना, एक्सिस ऑफ इस्लाम, तो पहले कुबतुल इस्लाम था, बाद में जाके कुवतुल इस्लाम हो गया, थोड़ा सा चेंज कर दिया गया, ठीक है। उसके बाद हम एक और चीज़ समझते हैं कि ये जो मॉस्क है ये ऑफकोर्स ही बात है कुतुब मीनार के बाजू में है, और यहाँ पे बताया जाता है कि बहुत इंपॉर्टेंट सेंटर था ये मॉस्क। क्यों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेंटर था 13th-14th सेंचुरी में, क्योंकि यहाँ पर आसपास शहर भी बन रहा था, ठीक है। मैं आपको यहाँ पर जो है PPT के थ्रू समझा देती हूँ, बहुत अच्छे से आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगी। तो देखिए यहाँ पर आपको देखने को मिलता है कि ये देखिए मेहरौली, ये देखिए आज के टाइम पे कुतुब मीनार है, ये सामने आपको दिख रहा है, ये अलाई दरवाज़ा है, ठीक है। और ये जो है आपको मतलब पता चल गया, समझ में आ गया किसने फाउंड किया है, किसने बनाया, कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा बनाया गया है। और उसके बाद आपको देखने को मिलता है ये क्लोज व्यू है, उसके बाद दूर से आप देखोगे, ठीक है, कुछ इस तरीके से पूरा एरिया है। उसके बाद आप देखो कि इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, तो सिग्निफिकेंस ये है कि ये मुस्लिम रूल स्टैब्लिश हुआ इंडिया में, वो सिग्निफाई करता है। कुवतुल इस्लाम मॉस्क का जो है आपको अब रियून मिलती है, पूरी तरीके से नहीं मिलती है, लेकिन ये मॉस्क का जो गेट है आप देख सकते हो, ये जो है मतलब ये बाद में जाके अलाउद्दीन खिलजी द्वारा ऐड किया गया था, तो यहाँ पर जो है आपको बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल कार्विंग्स देखने को मिलती है। इसके अलावा आपको कंस्ट्रक्शन भी आपको उसमें देखने को मिलता है। और यहाँ पर ना नस्तलिक स्क्रिप्ट का यूज़ किया गया है, ठीक है, कूफी और नश्क स्क्रिप्ट होती है ना जो, और मतलब कुरान की आयतें लिखी गई है, और इसमें आप ध्यान से देखोगे तो आपको दिखेगा कि जो आयतें हैं तो आयतें के साथ यहाँ पर थोड़ी सी लीव्स और यू नो फ्लावर्स ऐड किए गए हैं, तो मतलब वो एक तरीके का राइटिंग पैटर्न है, तो वो बताता है उस टाइम की आर्टिस्टिक स्किल्स को। अगर हम कल्चरल सिग्निफिकेंस की बात करें तो ऑफ कोर्स ही बात है कि ये एक ऐसी जगह थी जहाँ से अजान दी जाती थी, मदीना,
ठीक है। उसके बाद आपको देखने को मिलता है कि इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस की बात करें तो इस मतलब जो है बताया जाता है तबकात नासरी में बताते हैं। उसके बाद सुनील कुमार बताते हैं कि ये जो एरियाज थे ये एक एरियाज थे जहाँ पर आसपास जो है ना मार्केट भी थे, तो यहाँ पर जो है बाजार बजाजन भी था यानी मार्केट ऑफ क्लोथ्स, और उसके साथ जो है ग्रेन मार्केट यानी मंडी भी यहीं पर था। ठीक है। और पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस अगर देखा जाए तो ये बताते हैं कि एक ऐसी जगह थी जहाँ पर जैसे कि आज के टाइम पर होता है ना राजपथ, और हमारा हम देखेंगे इंडिया गेट, और जैसे कि पार्लियामेंट के बाहर प्रोटेस्ट होते हैं, तो वैसे उस टाइम पर जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था, यहाँ पर जो है प्रोटेस्ट हुआ करते थे। और अब बात करते हैं तारीख अलाई में, आमिर खुसरो बताते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी जो है लोफ्टी मीनार बनाना चाहते थे, इतना लोफ्टी कि मतलब इतना लोफ्टी मतलब हाई, इतना मतलब लंबा बनाना चाहते थे कि उससे लंबा ना हो सके। तो इसलिए उन्होंने क्या किया, एक तो पहले उन्होंने जो है मस्जिद का एरिया बढ़ा दिया, ठीक है। उसके बाद उन्होंने क्या किया, सरकमफेरेंस बोला मीनार का डबल कर दो, और इतना बड़ा मीनार बनाओ मतलब जो ओरिजिनल मीनार है ना उसे डबल डबल बनाओ, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ पर दिखा देती हूँ उसका फोटो, हम अभी डिस्कस करके आए इसको बहुत अच्छे से। तो बेसिकली क्या है कि उन्होंने जो ये अलाई दरवाज़ा तो बनवाया था, इन्होंने हमारे जो अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था, इसके अलावा जो हमको देखने को मिलता है अलाई मीनार, अलाई मीनार का जो कंस्ट्रक्शन है ना उनका अधूरा रह गया। वो क्या चाहते थे कि कुतुब मीनार से 2 गुना रहे, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। ये आप देख सकते हो इस साइड में जो छोटी मोटी दीवारें दिख रही है, ये जो है ना ये अलाई मीनार का अधूरा कंस्ट्रक्शन है, ठीक है। मैं आपको दिखाती हूँ एक और फोटो है, तो अधूरा कंस्ट्रक्शन है क्योंकि वो चाहते थे कि 2 गुना बड़ी बने, लेकिन ऐसा हुआ नहीं क्योंकि उनकी डेथ हो जाती है, ठीक है। हाँ ये रही फोटो, तो ये देखिए ये जो है ना वो 2 गुना उन्होंने सरकमफेरेंस रखा था, और हाइट भी 2 गुना चाहिए थी उनको, लेकिन उनकी डेथ हो जाती है और हाइट से 24 मीटर तक ही पहुँच पाती है। यहाँ तक क्लियर है, तो अलाई मीनार भी क्लियर हो गया। ये भी कहाँ पर है, ये भी उसी एरिया में, अगर आप घूमने गए हो तो आपको पता होगा। अब वहाँ पर जो है धीरे धीरे पॉपुलेशन बढ़ने लग गई, तो वहाँ पर सिटी में क्या प्रॉब्लम हो गई, वाटर सप्लाई की प्रॉब्लम हो गई। तो अब धीरे धीरे लोगों ने सोचा चलो यमुना के पास चलते हैं, तो फिर घियासपुर बलबन मतलब घियासुद्दीन बलबन द्वारा घियासपुर डेवलप किया गया, और ऑलरेडी यहाँ पर शेख निज़ामुद्दीन चिश्ती का जो है जमात खाना ऑलरेडी यहाँ पर मौजूद था। हम घियासपुर के बारे में भी पढ़ लेते हैं। देखिए यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ कैसा होता है, मैंने आपको एक रूलर्स की पूरी डायनेस्टी बताई है, ठीक है। रूलर्स की जब मैंने आपको डायनेस्टी बताई है तो एक चीज़ आपको दिमाग में रखनी है, इधर देखिए मैंने आपको बताया ममलूक डायनेस्टी आई थी, ममलूक डायनेस्टी में मैंने आपको डिफरेंट रूलर्स के बारे में बताया था। ये देखिए कुतुबुद्दीन ऐबक आए थे, आरम शाह, शमसुद्दीन इल्तुतमिश। तो शमसुद्दीन इल्तुतमिश जो थे उन्होंने सबसे ज़्यादा टाइम के लिए रूल किया, ठीक है। और वो ही एक ऐसे पर्सन थे जिन्होंने जो है लाहौर से जो कैपिटल है वो कहाँ मूव किया, ये आज के टाइम का जो महरौली है वहाँ पर। उसके बाद उनके जो बेटे आए रुकनुद्दीन फिरोज, रजिया, इन सबको जो है ना जल्दी जल्दी उनके जो वो थे मतलब जो स्लेव थे ना जिनको शमचीज या फिर तुर्कान चहलगानी कहते थे, उन्होंने एक एक करके उनको बिठाया और मारते गए, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे कि गियासुद्दीन बलबन जो है बहुत टाइम तक के रूल करते हैं। तो गियासुद्दीन बलबन के टाइम पे ऐसा माना जाता है कि गियासपुर डेवलप हुआ था। अब गियासपुर हम डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। इतना आपको क्लियर हो गया कि गियासुद्दीन बलबन के द्वारा जो है गियासपुर जो है स्टैब्लिश हुआ था, और ये क्यों हुआ था, बिकॉज लोगों को पानी की कमी थी। अब हम गियासपुर के बारे में डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं, तो थोड़ा सा हम गियासपुर के बारे में समझ लेते हैं। देखिए मैं पीपीटी का यूज़ कर रही हूँ इसे आपको इजीली समझ में आ जाएगा। तो देखिए उस टाइम पे ना हौज शमसी बनाई गई थी उस टाइम पे, कहाँ पर, शमसुद्दीन इल्तुतमिश के टाइम पे, लेकिन उसके बावजूद पानी की जो है ना क्राइसिस तो थी, तो इसलिए कहीं ना कहीं लोगों ने सोचा कि चलो गियासपुर जो है स्टेब्लिश कर लेते हैं थोड़ा सा रिवर किनारे, ठीक है। तो उस टाइम पर क्या होता है कि ऑलरेडी निज़ामुद्दीन औलिया अपना जमात खाना जो है वहाँ स्टैब्लिश कर चुके थे, और बाद में जाकर ये इसलिए इंपॉर्टेंट हो गया दोनों चीज़ों के लिए बिकॉज ये यमुना के पास था और रैलियाकोना के पास था। अब थोड़ा सा गियासुद्दीन बलबन के बारे में समझ लेते हैं। तो ये जो है बेसिकली शमसी सुल्तान के लास्ट रिजेंट थे, ठीक है। मतलब बेसिकली जो शमसी सुल्तान मैंने आपको बताया था शमसी जो थे उसमें से ही थे। उसके अलावा बलबन जो है ये मतलब जो मैंने आपको बताया तुर्कान चहलगानी में से बिलोंग करते थे, और इसमें इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया क्योंकि इन्होंने जो मंगोल इन्वेजन को बचाने के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम किया। उसके बाद हमने जो है नीचे इसके बारे में पढ़ेंगे कि इन्होंने जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आर्मी इंट्रोड्यूस की, ये सब ठीक है। उसके बाद हम समझेंगे कि जो निज़ामुद्दीन औलिया की यहाँ पर जो हॉस्पाइस थी, ठीक है, जमात खाना जो था, तो ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट बन गया। क्यों, क्योंकि वो सूफी प्रैक्टिसेस करते थे इसलिए हिंदूज भी इसमें अट्रैक्ट हो जाते थे, और कहीं ना कहीं यहाँ पर जो है मतलब ये थोड़ा सा जो है इस्लाम से हट के ज़्यादातर सूफी पे फोकस करते थे, म्यूजिक का यूज़ करते थे, कवाली का यूज़ करते थे, और
और आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पर जो है ना इनका जो खानकाह बन गया था एक तरीके से, ये बाद में जाकर जो है और ज्यादा लोगों ने जो है इसको बढ़ावा दिया। अब हम उसके आगे समझते हैं कि यहाँ पर आपको देखने को मिलता है कि निजामुद्दीन का टॉम्ब भी जो है देखने को आपको दरगाह में देखने को मिलती है, जो कि मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा 1325 में बनाई गई थी उनकी डेथ होने के बाद, ठीक है। और बाद में जाकर उन्होंने जो है इसको ठीक भी करवाया, बहुत कुछ करवाया। तो मतलब बेसिकली यहाँ पर जो है एक तरीके से थोड़ा सा रिलीजियस, थोड़ा सा स्पिरिचुअल, थोड़ा सा पॉलिटिकल कॉम्बिनेशन आपको देखने को मिलता है। जमात खाना मस्जिद की बात करें तो दरगाह के बाजू में जमात खाना मस्जिद है और यहाँ पर आपको देखने को मिलता है रेड सैंडस्टोन से बना हुआ है, ये आप फोटो देख सकते हो इसकी। और ये जो है कहीं ना कहीं जो है इस इनका स्ट्रक्चर जो है किसने कंटिन्यू किया था, अलाउद्दीन खलजी के टाइम पे कंटिन्यू हुआ था, ठीक है। अभी हम वापस समझेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। अभी मैं आपको थोड़ा सा ब्रॉड ओवरव्यू दे रही हूँ। बावली भी बनाई थी उन्होंने, ठीक है, वाटर की प्रेजेंस के, वाटर के लिए। और लोग जो है मतलब खानकाह में जाना बहुत ज़्यादा पसंद करते थे ऑफ निजामुद्दीन औलिया, और अभी भी जो है ये खानकाह जो है मतलब बहुत फेमस है और इसमें लोग जाते हैं। उस टाइम पर अमीर खुसराव जो थे, अमीर खुसराव आपको पता है कौन थे, वो जो है वो भी बहुत ज़्यादा जो है फेमस म्यूजिशियन, पोएट, हिस्टोरियन और स्कॉलर थे। और वो जो है बहुत ज़्यादा उन्होंने दो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जो है इन्वेंट किए थे, जिसका नाम तबला और सितार था। और वो बहुत ज़्यादा फेम मतलब जो उनको कव्वाली और ये सब चीज़ें उनको बहुत पसंद थी, और ये निजामुद्दीन औलिया के एक डिसाइपल थे, ठीक है। और निजामुद्दीन औलिया ने इनको कहा था कि आप हिंदी में लिखा करो ताकि जो हिंदूज है वो भी जो है कहीं ना कहीं अट्रैक्टेड फील करे टूवर्ड्स इस्लाम। और बात करते हैं लाल महल, लाल महल जो है गयासुद्दीन बलबन द्वारा बनाया गया था, लेकिन जो आपको देखने को मिलता है कि इस टाइम पर जो है ना आपको कुछ तरीके के इंक्रोचमेंट हुए 2008 के अंदर और लोगों ने इसको तोड़ दिया। सोचिए मतलब अभी लोग है ना क्या कहते हैं आर्कोलॉजिकल बिल्डिंग्स की जो है कदर नहीं करते। बाद में जाकर ASI ने कहा कि ये एक तरीके का प्राइवेट मतलब एरिया नहीं है, ये एक तरीके का हिस्टोरिकल एरिया है, लेकिन ऑलरेडी और टूट चुका था आधा से ज़्यादा लाल महल, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं कि लाल महल को प्रोटेक्शन के लिए काम भी किए जा रहे हैं। अब हम वापस आते हैं हमारी टॉपिक के ऊपर और डिस्कस करते हैं कि और क्या इस पर्टिकुलर टॉपिक में बचा है। तो जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया कि जो नई सिटी बनी थी वो कहाँ पर बनी थी, वो बनी थी सूफी शेख निजामुद्दीन औलिया के जमात खाना की जगह पे बनी थी। और वहाँ पर जाकर बाद में बलबन ने बहुत सारे थाना थाना मतलब चेक पोस्ट और अफगान्स भी वहाँ पर लगाए। और उसके बाद आपको देखने को मिलता है कि धीरे धीरे जो है ना मतलब ऑलरेडी जो पुरानी दिल्ली थी, दिल्ली कूना मैरौली, उससे थोड़ी थोड़ी पॉपुलेशन नई दिल्ली में भी जा रही थी, लेकिन अभी भी पुरानी दिल्ली की जो इम्पोर्टेंस है वो बनी हुई थी। फिर बलबन बलबन के जो सक्सेसर आते हैं कैकुआबाद, तो वो जो है क्या करते हैं एक तरीके का नया फोर्ट बनाते हैं, और वहाँ पर वो लोग मतलब है ना नया फोर्ट बनाते हैं मार्बल को यूज़ करके। और अभी तक स्टोन का यूज़ हो रहा था, वो पहली बार मार्बल का भी यूज़ करते हैं। और शहरे नौ उसको बोलते हैं, शहरे नौ मतलब नया शहर, ठीक है। और ये इसको कंट्रास्ट करते हैं फ्रॉम दिल्ली अकूना, दिल्ली अकूना मतलब ओल्ड दिल्ली, ठीक है। और 13-14 सेंचुरी में फिर आपको दिल्ली अकूना के नाम से जो है चीज़ें सुनने को आती है। फिर आपको देखने को मिलता है जब पावर खिलजी के हाथ में चल जाती है, तो खिलजी है ना क्योंकि देखिए पावर ना जब खिलजी के हाथ में जाती है तो लोगों को अच्छा नहीं लगता है, ठीक है। तो इसलिए वो खिलजी को नया कैपिटल बनाना पड़ता है, वहाँ जाके किलो खड़ी। अब किलो खड़ी जब बनाते हैं तो वो शहर नौ के नाम से जाना जाने लग जाता है, ठीक है। और वहाँ पर वो बहुत ज़्यादा पेंटिंग्स करते हैं, लेकिन किलो खड़ी के बारे में जब हम समझेंगे तो किलो खड़ी है ना लॉस्ट लॉस्ट मानी जाती है, ठीक है। कैसी मानी जाती है वो भी हम समझेंगे। तो देखिए यहाँ पर जो है किलो खड़ी में ऑलरेडी आपको देखने को मिलता है कि मुइजुद्दीन कैकुआबाद के बनाने से पहले कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी जो है ऑलरेडी यहाँ पर अपनी जो है मतलब जो है हॉस्पाइस स्टेब्लिश कर चुके थे। और बाद में जाकर जो है फिर बाद में जाकर यहाँ पर जो है कैपिटल लाया जाता है, बिकॉज यहाँ पर भी पानी की जो है गरीबी होती है, पानी जो है पास ही होता है। तो इल्तुतमिश के जो सन है रुकनुद्दीन फिरोज द्वारा यहाँ उनके अगेंस्ट जो है एक रिबेल था, इसलिए उन्होंने सोचा कि मैं यहाँ पर आके बस जाऊँ, लेकिन जो है क्या कहते हैं वो स्टैब्लिश नहीं कर पाया। इसलिए पहले से वो सिर्फ ये एक मिलिट्री कंटोनमेंट था, बाद में जाकर ये चेंज हुआ। आपको देखने को मिलेगा कि कैकुआबाद जो है उन्होंने जो है अपना कुतुब दिल्ली का रेसिडेंस छोड़कर यहाँ पर आके रहने लग गए थे, ठीक है। और उसके बाद आपको देखने को मिलता है कि ये जो किलो खड़ी है, किलो खड़ी जो है उन्होंने एक नया जगह बनाई, इसको बोलते हैं ग्रैंड पैलेस, कौशिके बी नज़ीर, ठीक है। और वहाँ पर वो रहते थे। तो ये एक तरीके से मतलब आपको देखने को मिलता है नई सिटी है, और ये जलालुद्दीन फिरोज खलजी द्वारा फाइनली फिर जो है क्या हुआ, उन्होंने जो है फाइनली
इसको चेहरे नौ के रूप में डेवलप कर दिया, ठीक है। मतलब ये पूरी तरीके से इनहेबिटेड अनइनहेबिटेड नहीं थी एज कम्पेयर टू मतलब फिरोज खिलजी के पहले जो है अनइनहेबिटेड नहीं थी, ऑलरेडी इसका जो है नाम चला आ रहा था। उसके बाद जलालुद्दीन खिलजी ने क्यों बनाया, ऑलरेडी हमने पढ़ लिया, क्योंकि उन्होंने जो है क्या कहते हैं खिलजी जो होते हैं खिलजी के हाथ में पावर गई थी ममलूक डायनेस्टी से, और इससे जो है ना लोगों को पसंद नहीं आ रहा था, इसलिए लोगों को है ना पसंद नहीं आ रहा था इसलिए उन्होंने जो है कैपिटल बनाया। इकोनॉमिक कंडीशंस हम बाद में डिस्कस करेंगे, आपने अगर वो वाला वीडियो नहीं देखा है जिसमें वन शॉट में सब कुछ डिस्कस है तो वाला वीडियो आप देख सकते हैं, वो वीडियो में सब चीज़ें जो है एक शॉट में मैं डिस्कस कर लूँगी। इसके बाद हम देखते हैं लोकेशन के बारे में, तो आपको यहाँ मैप दिया है आप समझ सकते हैं, ठीक है। अब ये यहाँ पर क्लियर हो गया, अब हम जाते हैं वापस हमारे मटेरियल पे, तो अब बात करते हैं सीढ़ी के बारे में। तो देखिए ये हमारा हो गया, हमने समझिए समझ लिया कि लोखड़ी के बारे में समझ लिया, और हमने गियासपुर के बारे में समझ लिया। सीढ़ी के बारे में समझना है तो सीढ़ी को बचा मतलब सीढ़ी को मतलब दिल्ली को बचाने के लिए मंगोल के अटैक से अलाउद्दीन खिलजी द्वारा सीरी का मिलिट्री कैंटोनमेंट बनाया गया, ठीक है। जिसके हम क्या कहते थे स्टार्टिंग में सिर्फ और सिर्फ मिलिट्री कैंटोनमेंट था, जिसको हम लश्कर या फिर लश्करगाह कहते थे, ठीक है। बाद में जाकर जो है वो लश्करगाह जो है धीरे धीरे दारुल खलीफा के नाम से जाने लग गया, क्योंकि वो जो बड़ा अलाउद्दीन खलजी है वहाँ जाकर रहने लग गए थे, बताऊंगी मैं अभी आपको। तो बेसिकली ये एक मतलब ये जो सीरी जो है मतलब अब जो है मिलिट्री कम इनकम्पमेंट था वो लोग भूल चुके हैं, और साथ साथ ही इतना ज्यादा फेमस जगह भी नहीं है। अब कनिंगम ने जो है इस जगह को जब ढूंढा था तो उन्होंने देखा था कि कुछ आसपास भी कुछ विलेजेस है जैसे कि शाहपुर जाट, और उन्होंने उस चीज का पता लगाया था। और देखिए 14th सेंचुरी के एक हिस्टोरियन है यसदी, वो क्या लिखते हैं कि जो सीरी है ना सीरी जो है वो लिखते हैं कि वो उनकी बुक लिखते हैं जफरनामा, उसमें लिखते हैं कि नॉर्थ वेस्ट में है जहाँ पनाह में, और कुतुब दरी जो है वो साउथ वेस्ट में है, और उनके अकॉर्डिंग सीरी जो है एक सर्क्यूलर जगह है, ठीक है। अब सर्कुलर क्यों लिखा जा रहा है मैं आगे बताऊंगी। और तिमूर भी लिखते हैं कि सीरी सीरी एक राउंड सिटी है, ठीक है। लेकिन ये इसलिए सही है बिकॉज अतर अली बताते हैं कि इतने ज़्यादा रेक्टेंगुलर सिटी नहीं है सीरी एज कम्पेयर टू अदर सेटलमेंट, इसलिए इसको राउंड कहा जा सकता है। मैं अभी आपको हाउस खास और सीरी के बारे में बताऊंगी, ठीक है। तो अलाउद्दीन खिलजी और उनके सक्सेसर जो है कुतुबुद्दीन मुबारक, वो कहाँ रहते थे, हज़ार सुतून की जगह पर रहते थे, जो कि अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बनाई गई थी, जो सीरी फोर्ट्रेस के बाहर था, ठीक है। और ये आपको किससे पता चलता है, इब्न बतूता के अकाउंट से पता चलता है। लेकिन उसके बावजूद आप अगर सीरिया आ जाओगे तो आपको देखने को मिलेगा कि इतना ज़्यादा जो है ना मतलब अनइनहेबिटेड एरिया दिखता है, बहुत मतलब शांति और कुछ भी वहाँ पर आपको नहीं देखने को मिलेगा। इट इज़ नॉट दैट यू नो इतना लाइवली नहीं है जितना मैरोली है। तो अब हम कुतुब ये जो है सीरी के बारे में और हौस खास के बारे में जो है डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए सीरी फोर्ट के बारे में समझेंगे, देखिए इसका थोड़ा मैप दिया हुआ है ना, आपको दिख रहा होगा ये थोड़ा सा सर्कुलर है एज कम्पेयर टू अदर सिटीज। उसके बाद आपको सीरी फोर्ट अगर आप विजिट किए हो आपको पता गया होगा ये बनाया गया था आपको और बात है अलाउद्दीन द्वारा, ठीक है। अलाउद्दीन द्वारा जो कि खिलजी डायनेस्टी के एक बहुत ज़्यादा फेमस रूलर थे मंगोल इन्वेजन से बचने के लिए, और इनिशियली एक मिलिट्री कंटोनमेंट था, बाद में जाकर जो है ये एक तरीके से डेवलप होता है एज अ फोर्ट। अब आप देख सकते हैं हौस खास से करीबन 13 किलोमीटर दूर है ये, ठीक है सीरी। और मैं आपको हौस खास का फोटो दिखा देती हूँ, ये देखिए हौस खास विलेज कुछ इस तरीके से है, ठीक है ये कुछ इस तरीके से है। तो हौस खास से 13 किलोमीटर दूर है, हौस खास से मदरसा आपको देखने को मिलेगा, और हौस खास भी जो है उसी टाइम का मैं आपको बताऊंगी अभी नेक्स्ट में। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि इसका जो आर्किटेक्चर है वो किस तरीके से बनाया गया आप देख सकते हैं फोटो में। इसके अलावा आपको देखने को मिलता है कि यहाँ पर जो है इतना ज़्यादा मतलब यू नो लोग इतना ज़्यादा रहते नहीं है यहाँ पर, और इसे तोहफे वाला गुंबद भी यहाँ पर जो है एक फेमस जगह है तोहफे वाला गुंबद, ठीक है। अब हम वापस चलते हैं हमारे कंटेंट पे, क्योंकि इतना ज़्यादा है नहीं हौस खास और सीरी के बारे में कुछ डिस्कस करने के लिए। अब बात करते हैं तुगलकाबाद की, तो फिर पॉपुलेशन बढ़ गई। अब फिर क्या हुआ, गियासुद्दीन तुगलक ने जो है क्या किया, एक और सिटी बनाई तुगलकाबाद, और 1321 से 23 के बीच में। और ये सब आपको एग्जाम में आ सकता है कि कौन मुगल सिटीज मतलब मुगल बोल रही सल्तनत ने कौन सी सिटीज बनाई थी, तो ये सब मेंशन करना है आपको, ठीक है। ये साउथ ऑफ दिल्ली से 9 माइल्स दूर थी, इसकी साइज बहुत बड़ी थी, ये बहुत ज़्यादा मतलब इम्प्रेसिव है। मैं आपको दिखाती हूँ तुगलकाबाद, अच्छी है सिटी। फोर्ट जो है अब लेकिन इतना ज़्यादा थोड़ा सी यू नो मतलब इतनी डिलेपिटेटेड कंडीशन हो गई है इसकी कि आप जाओगे तो आप देखोगे सब टूटा फूटा हुआ हो गया है, ठीक है। और इतना अच्छा बनाया गया होगा लेकिन बहुत तोड़ दिया गया है, ठीक है।
और इसको अगर हम पढ़ते हैं किसी फ्रेंडशिप के अकाउंट से पढ़ते हैं, वो बोलते हैं कितना ज़्यादा यहाँ पर ग्रेट साइज ऑफ स्टोन यूज़ किया गया है, इतना अच्छे यहाँ के जो है टेरिस है, लोफ्टी गेट्स है, इतना अच्छा सैटेडल है। उसके बाद आपको देखने को मिलेगा मॉस्क है, ठीक है, उसके बाद आपको रेड सैंडस्टोन गेटवे देखने को मिलता है, सब कुछ देखने को मिलता है। लेकिन इतना अच्छा बनाने के बावजूद जो है हमको देखने को मिलता है, आप जो पूरी तरीके से ये ड्यून हो चुकी है, ठीक है। अब हम इसकी भी देखते हैं फोटो। तो देखिए ये जो बनाई गई थी गियासुद्दीन तुगलक द्वारा बनाई गई थी, और इनके बारे में आप थोड़ा सा समझ सकते हो, पढ़ सकते हो, ठीक है। इन्होंने बहुत सारे जो है रूल्स एंड पॉलिसीज अपनाई थी, और बहुत सारे इनके अचीवमेंट भी थे। इन्होंने मार्केट को री एस्टेब्लिश किया था और बहुत कुछ। तुगलकाबाद जो उन्होंने इस्टेब्लिश किया था, तो बेसिकली ये थर्ड सिटी मान जाती है, क्योंकि अभी हमने डिस्कस किया, एक तो हमने ऑलरेडी एक लाल कोट के बाद सीरी डिस्कस किया, सीरी के बाद गियासपुर डिस्कस किया, अब उसके बाद हम जो है तुगलकाबाद डिस्कस कर रहे हैं। अब तुगलकाबाद जो है, तुगलकाबाद का जो फोर्ट है वो कुछ इस तरीके से दिखता है, आप अगर वहाँ जाओगे तो आपको पता चलेगा, ठीक है। अब ये रियून फोर्ट भी कहते हैं इसको, क्योंकि ये जो है मतलब बेसिकली बहुत ज़्यादा तरीके से तबाह हो चुका है, मतलब इतना ज़्यादा अच्छे से इसका स्ट्रक्चर नहीं है, इतनी अच्छी इसकी कंडीशन नहीं है, ठीक है। ये क्यों बनाया गया था, देखिए हर जगह थोड़ा रून रून हो गया है, तो ऑफ कोर्स ये बात है कि ये इसलिए बनाया गया था ताकि यहाँ पर मतलब पॉपुलेशन बहुत बढ़ रही थी, इसलिए इसको बढ़ाने की ज़रूरत थी। अगर आर्किटेक्चरल फीचर्स की बात की जाए तो इसके तीन अलग अलग पार्ट है, एक है सिटी जोन, इसके अंदर हाउसेस बने हुए हैं, और उसके अलावा आपको देखने को मिलता है कि एक जगह पे आर्टिफिशियल वाटर रिजर्वर भी दिया गया है, ठीक है। और एक बिल्डिंग भी है, ऐसा माना जा रहा है कि हो सकता है ये घर भी हो सकता है, मस्जिद भी हो सकती है, लोगों का अभी भी थोड़ा सा डाउटफुल है। एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि अगर आप जाओगे, आपको नीचे जो है ना एक अंडरग्राउंड पैसेज दिखेगा कुछ इस तरीके का, वहां पर ना मतलब लोगों के भागने के लिए जगह है, और यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो है एक तरीके से सीढ़ियाँ दी हुई है। तुगलकाबाद जो है इसके पीछे एक कर्ज भी जुड़ी हुई है, ऐसा माना जाता है कि जब ये बन रहा था तो निजामुद्दीन औलिया ने इसे को कर्ज दिया था, या रहे हिसार या बसे गुजार, मतलब या तो ये बिल्कुल मतलब बिल्कुल रेमनेंट रहे, बिल्कुल खराब तरीके से रहे, यहाँ पर जो हर्ड्समैन है वो रहे, ठीक है। तो ऐसा क्यों बोला था उन्होंने, क्योंकि यहाँ पर जो है सारे लेबरर जो है वो निजामुद्दीन औलिया उस टाइम पर अपनी बावली बना रहे थे, लेकिन बावली बनाने से जो है सारे लेबर ले लिए थे, किसने ले लिया था उस टाइम पर जो है जो ये जो अपने इनका नाम मैं भूल गई, तुगलक रूलर थे, इन्होंने जो है क्या कहते हैं सारे सारे वर्कर्स को क्या कर दिया, काम पे लगा दिया। अब उनकी वहाँ पर बावली बन रही थी, तो सारे वर्कर्स यहाँ काम कर रहे थे, अब वहाँ जाके रात में काम करते हैं तो दिन में जो है यहाँ पर सोते, तो इसलिए उन्होंने जो है कहा कि तुम है ना मतलब सारे वर्कर्स को ले लिए हो, इसलिए क्या कहते हैं तुम्हारी या तो क्या कहते हैं जो बनेगी तुम्हारा ये जो तुम बना रहे हो, या तो वो क्या रहेगी हिसार, या मतलब या तो बिल्कुल बिल्कुल ही खाली रहेगी, या फिर यहाँ पर गुज्जर बसेंगे। तो बेसिकली यहाँ पर जो है इस तरीके की कर्व इसके पीछे चलती है, मतलब हर एक स्टोरी होती है हर एक मॉन्यूमेंट के पीछे, वो आपको जानना जरूरी है, वो सच है या झूठ है वो हम नहीं जानते। दूसरी बात, यहाँ पर गियासुद्दीन तुगलक का टॉम ऐसा माना जाता है उन्होंने खुद ही कमीशन करवाया था, मतलब खुद की दरगाह उन्होंने खुद ही अपने लाइफ टाइम में ऑलरेडी कमीशन करवा दी थी। यहाँ पर आपको इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर आपको एक डोम दिखेगा जो कि आपको देखने को मिलता है खालसा वाले एरिया में, जो कि हिंदू आर्किटेक्चर को दिखाता है, और वही चीज़ आपको इस्लामिक इस्लामिक इस तरीके से देख सकते हो हम। तो ये जो ऊपर वाला एरिया है ये अक्सर हिंदू टेम्पल्स में होता है, और ये डोम मुस्लिम एरिया में होता है, मुस्लिम फोर्ट्स में होता है, दोनों का कॉम्बिनेशन दिखेगा, मतलब इसमें आपको इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर देखने को मिलेगा। क्लियर है यहाँ तक के? अब बात करते हैं फिरोजाबाद की। तो अब देखो होता क्या है कि सुल्तान फिरोज शाह तुगलक के टाइम पे वापस जो है शिफ्ट होता है, ठीक है, और ज़्यादा हम देखते हैं कि रिवर के पास जो है मूव किया जाता है, और वहाँ पर आपको देखने को मिलता है कि फिरोजाबाद जो है फिरोजाबाद का एस्टेब्लिशमेंट होता है, और आपको देखने को मिलेगा कि मतलब यमुना रिवर से बहुत ज़्यादा पास आया जा रहा है, मतलब धीरे 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 पास आया जा रहा था। क्यों? क्योंकि जो पत्थर थे ना, वो पत्थर जो है ऊपर से लाए जा रहे थे कंस्ट्रक्शन के लिए, और पत्थर को इतनी मतलब आप डायरेक्ट ऊपर से लाओगे और डायरेक्ट बिल्कुल जमीन के किनारे पहुंच जाओगे, ऐसा नहीं पॉसिबल है। पहले ऊपर क्यों रहते थे? बिकॉज मंगोल का अटैक का डर था, ठीक है। मंगोल्स जो है ना वो उस टाइम पे बहुत ज़्यादा इन्वेड करते थे, तो ऊपर रहते थे, स्ट्रेटेजिक पोजिशन मिलती थी, वहां से अटैक हो सके। अब कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें भी है फिरोज शाह कोटला के अंदर, वो हम देखेंगे। तो वहाँ पर आपको जो है दो स्टोन पिलर दिखते हैं, ठीक है, और जो कि तोपरा से निकाले गए थे, ठीक है, जो कि जागधारी के 7 मील्स दूर है, वो हम देखेंगे, अभी आपको फोटो दिखाऊंगी क्लियर हो जाएगी। और ये प्लेस को हम जहान नुमा भी कहते हैं, ठीक है, जहान नुमा,
मतलब जहान नुमा, मतलब जहान मतलब वर्ल्ड, डिस्प्लेयर ठीक है, जैसे आप बोलते हैं ना किसी चीज़ का नुमाइश होती है, तो डिस्प्ले ऑफ आर्टिफैक्ट्स, तो वैसे ये जहान नुमा है। दूसरी चीज़ ये हम देखेंगे फिरोजाबाद, एक इंपॉर्टेंट मस्जिद आपको देखने को मिलती है, 64 खंबा, 64 खंबा यानी 64 पिल्लर, और एक कलन मस्जिद भी आपको देखने को मिलती है, और ये आज के टाइम के शाहजहाँबाद से जो है ओवरलैप मतलब मिलती जुलती है। मैं आपको फोटो दिखाऊंगी, क्लियर हो जाएगा। और ये जामा मस्जिद और शाहजहाँ के साउथ वेस्ट में पड़ती है, खान खान जहान द्वारा जो है बनाई गई थी ये, और जो कि वजीर थे फिरोज शाह के, ठीक है। अब अतहर अली क्या बताते हैं कि फिरोज शाह ने दिल्ली इसलिए आए, फिरोज शाह जो है दिल्ली इसलिए आते हैं बिकॉज ये जो एरिया था यहाँ पर जो है एरिया मतलब एरिया फेवरेबल था, क्योंकि ये यमुना के पास था इसलिए। और दूसरी चीज़ ये भी हो सकती है कि यहाँ पर जो है मतलब उन्होंने कैसी स्ट्रेटेजिक पोजीशन दी थी जो जो है मतलब दोनों चीज़ को कनेक्ट करती है। कैसे कनेक्ट करती है, मतलब जो अर्लिया दिल्ली या कूना को भी ये लिंक करती है। तो देखिए फिरोज शाह तुगलक द्वारा जो है ये फिरोजाबाद बसाई गई थी, इसके बारे में हम समझते हैं, इनके बहुत सारे अचीवमेंट्स थे वो सब हम बाद में पढ़ेंगे। अभी हम देखते हैं फिरोजाबाद के बारे में, तो ये कैपिटल सिटी थी, और इसके अलावा जो है हम देख सकते हैं कि ये जो है इसके अंदर बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें जैसे कि अशोकन पिलर। तो अशोकन पिलर जो है ये जो है यहाँ पर लाया गया था, और ये जो पिलर है ये 13 मीटर लंबा है, और इसके अंदर बहुत सारे इंस्क्रिप्शंस है जो कि ब्राह्मी स्क्रिप्ट में है। और मैंने आपको बताया था तोपरा से लाई गई तोपरा से लाया गया था जो कि प्रेजेंटली अम्बाला में है। तो ये बेसिकली ऑफकोर्स ही बात है अशोका के टाइम पीरियड में बनाया गया था, तो ये मतलब ये यहाँ लाया गया था, तो ये बताया जाता है कितना था ये एम्बिशियस रूलर थे। और ये जो है 90 किलोमीटर दूर से लाया गया था, सोचिए 8,000 सोल्जर लगे थे, क्योंकि कितना भारी होता है एक आयरन पिलर आप इमेजिन कर सकते हैं। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि जामी मस्जिद भी आपको देखने को मिलती है फिरोजाबाद में, और वन ऑफ द मोस्ट एंशियंट और लार्जेस्ट सर्वाइविंग मॉस्क है। और इसके बाद हम देखेंगे क्वार्टजाइट स्टोन से बनाई गई थी, और यहाँ पर जो है इस तरीके का इसका स्ट्रक्चर था। उसके बाद बावली भी बनाई गई थी यहाँ पर। उसके बाद आप देखोगे मैंने आपको बताया था 12 खम्बा, 64 खम्बा, खिड़की मस्जिद, ये सब का भी जो है उन्होंने कंस्ट्रक्शन किया था। तो यहाँ तक आपको क्लियर है, अब हम देखते हैं अबाउट, देखिए ये तो आपको क्लियर हो गया, इसके बाद हम वापस चलते हैं हमारे टॉपिक के ऊपर। तो हमने ऑल इन ऑल सारी सिटीज डिस्कस कर ली, हमने सीरी डिस्कस किया, हमने तुगलक आबाद डिस्कस किया, गियासपुर, किलोखड़ी, फिरोजाबाद, ये 5 सिटीज तो डिस्कस कर ली हमने। उसके बाद दिल्ली अकूना जिसको हम मैरौली कहते हैं वो भी हमने डिस्कस कर लिया। तो ऑल इन ऑल हमारा जो है डिस्कशन हो चुका है, अब हम समझेंगे कि क्या फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल थे जिससे कमर्शियल मेट्रोपोलिस बन जाती है दिल्ली, ठीक है। तो हम जो है इससे पहले जो है केस स्टडी करें, हम समझते हैं कि ऐसा क्या था जिससे जो है कमर्शियल मेट्रोपोलिस जो है वो दिल्ली बन जाती है। तो देखिए दिल्ली का कमर्शियल मेट्रोपोलिस बनने के पीछे बहुत सारे रीजन्स हैं, थोड़े से अजीब से है, थोड़े से अलग से है, लेकिन है। देखिए समझने वाली बात यह है कि हमें एक चीज़ देखनी है कि उस टाइम पर दिल्ली का जो अगर हम जोग्राफिकल स्ट्रक्चर देखते हैं, ठीक है। तो आप पहला पॉइंट क्या लिख सकते हो, जोग्राफिकल स्ट्रक्चर। तो दिल्ली समझ लीजिए ये दिल्ली है, ठीक है, ऐसी दिल्ली नहीं है, बट यहाँ पर आपको देखने को मिलता है कि अरावली रेंज आपको देखने को मिलती है, ठीक है। यमुना रिवर यहाँ से आपको दिखती है बहती हुई, ठीक है, यमुना रिवर दिखती है यहाँ आपको। ऑन द टॉप जो है ऊपर हिमालयाज दिखते हैं, तो वो नेचुरल बैरियर है, मतलब वहाँ से कोई अटैक नहीं कर सकता, ठीक है। उसके बाद लोग अगर अटैक कर सकते हैं तो कहाँ से करेंगे, यहाँ इस साइड से अटैक करेंगे। और उस टाइम पर लोगों ने क्या किया, दिल्ली के अंदर जो हमारा मतलब ऐसा रीजन था जहाँ पर जो है ऊपर रहना पसंद किया, ऊपर रहना मतलब पसंद क्यों किया, ऊपर मतलब क्या कहते हैं इधर, ऊपर मतलब इन सेंस कि पहाड़ों के ऊपर रहना पसंद किया, बिकॉज वहाँ पर जो है उनको एक स्ट्रेटेजिक पोजिशन मिल जाती थी अटैक करने के लिए, क्योंकि उस टाइम पर मंगोल्स जो है ना बहुत अटैक कर रहे थे। अब हम बात करते हैं कि मंगोल्स कौन थे। मंगोल्स जो है ना एक बारबरिक तरीके के जो है लोग थे, ट्राइब्स होते हैं ना जिस तरीके की, ठीक है, तो वो ट्राइब्स हुआ करती थी। और जो है मतलब वो टेंगरिस्ट रिलीजन थे, टेंगरिस्ट मतलब दे वर नॉट समथिंग लाइक वो लोग इस तरीके के थे जैसे कि जो उनका कोई रिलीजन नहीं हो, वॉर ये सब कुछ है, मतलब बोलते हैं थोड़े से अजीब बारबरिक क्रूर लोग होते हैं वैसे। तो वहाँ पर हम देखते हैं कि एक तो जोग्राफिकल लोकेशन बहुत अच्छी मिली थी, दूसरे पर एल्यूवियल प्लेन। देखिए आपको पता है दिल्ली नॉर्थ इंडिया में आता है, वहाँ आपको एल्यूवियल प्लेन मिलते हैं, मतलब फर्टाइल सॉइल मिलती है, एग्रीकल्चर बहुत इजीली हो जाता है, ठीक है, एग्रीकल्चर बहुत इजीली हो जाता है, एग्रीकल्चर बहुत नेसेसरी है कहीं पर भी आपको रहना है, तो वो एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट बनता है कि दिल्ली जो है इतना ग्रो कैसे करता है। दूसरी चीज़ यहाँ पर हमको देखने को मिलती है कि यहाँ पर आपको देखने को मिलता है सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये था इंटरनेशनल रिलेशंस। तो क्या हो रहा था ना कि आपको समझनी है कि उस टाइम मैंने आपको बताया कि
मंगोल थे वो अटैक करते सिर्फ इंडिया पे नहीं बल्कि हर जगह अटैक करते थे, तो मंगोल का जो प्रेशर था उसके वजह से भी दिल्ली ग्रोथ हुआ। कैसे? तो देखिए, वहाँ पर सेंट्रल एशिया के अंदर जो है बहुत ज़्यादा अटैक हो रहे थे, ठीक है, ऑफ मंगोल्स। उसके कारण जितने भी लोग थे वहाँ से यहाँ पर आ रहे थे, ठीक है, तो जितने भी लोग यहाँ पर आ रहे थे दिल्ली में, उनको इधर शेल्टर रिफ्यूजी होता है ना, जैसे कि कोई कंट्री में अटैक हुआ तो इंडिया में आएंगे, कहीं भी आएंगे आसपास की कंट्री में, तो वैसे ही इल्तुतमिश ने भी उनको क्या कहते हैं पेट्रोनेज दिया, जो लोग जो है लर्न्ड लोग थे। तो वैसे ही बताने की कोशिश करता है मिन्हाज, मिन्हाज ने जो अपनी बुक में लिखा है, उस टाइम पे कंटेम्प्रेरी था वो, तो बोलते हैं कि बहुत सारे दुनिया से लोग आते हैं, वर्चुअस मतलब एक्सीलेंट लोग, बिकॉज देखिए बहुत सारे लोग होते हैं ना दुनिया में, लेकिन जब तक आप इंटरेक्ट नहीं करते हो आउट ऑफ इंडिया आउट ऑफ वर्ल्ड, तो आपको लगेगा कि यार मतलब आपको कभी दूसरे लोगों के बारे में नॉलेज ही नहीं मिलेगी, लेकिन इतनी दूर दूर से जब लोग आते हैं, और ये क्यों आते हैं, बिकॉज चिंगिस खान ने जो है ना बहुत ज़्यादा परेशानी मचा के रखी थी। चिंगिस खान मतलब चंगिस खान कौन थे, मंगोल थे, ठीक है। चंगिस खान, मैं अगेन रिपीट कर रही हूँ फॉर योर जनरल इन्फॉर्मेशन, चंगिस खान, खान नाम से ऐसा लगता है आपको देखने में, था ठीक हो तो मुस्लिम, बहुत सारे लोग को डाउट हो जाता है, लेकिन खैर खान वॉज नॉट अ मुस्लिम, ठीक है। खान का मतलब देखिए बात में जाकर जो है ना क्या कहते हैं, कुछ सरनेम्स ऐड होते हैं, क्योंकि देखिए ये मंगोल थे, मंगोल मतलब क्या हुआ, टेंगरिस्ट था, टेंगरिस्ट मतलब ऐसे लोग जिसका कोई रिलीजन नहीं है, और इनफैक्ट ये मुस्लिम्स पे इलाकों पर अटैक करता था, जैसे कि इस्फहान, शिराज, हमदान, ठीक है, और बहुत सारे जो है खुरासान, यहाँ पर मेजोरली मुस्लिम रहते थे, ऐसी जगह पर ये लोग अटैक करते थे। उसके बाद हमको देखने को मिलता है कि ये जितने भी लोग हैं वहाँ से जो है आते थे इल्तुतमिश की कोर्ट में, और दिल्ली जो है वो सेफ प्लेस बन गई थी इस्लामिक लोगों के लिए, और सिर्फ इस्लामिक नहीं मतलब जो भी लोग शेल्टर चाहते थे वो यहाँ आ सकते थे। तो इसामी बताते हैं कि इसामी ने भी बुक लिखी थी, अरबिया, खुरासान, चाइना, बुखारा और बहुत सारी जगह से जो है दिल्ली में लोग आते थे, और ऐसे आते थे जैसे कि आप कैंडल जलाते हो बारिश में, कभी कभी आपने देखा होगा ना छोटे छोटे मॉथ्स होते हैं वो आसपास घूमने लग जाते हैं, कीड़े, तो वैसे ही आते हैं। तो जुजानी तबकात नास्टी के जो ऑथर है वो बताते हैं कि दिल्ली जो है उस टाइम पर जो है बहुत ज़्यादा रिफ्यूज का सेंटर बन चुकी थी उस लोगों उन लोगों के लिए जो चंगेज खान के और मंगोज के डर से बचकर आ रहे थे, और बहुत सारे लोग आ रहे थे सेंट्रल एशिया से, चाहे सोल्जर हो, ब्यूरोक्रेट्स हो, स्कॉलर्स हो, हर इंसान। तो इंडिया मतलब दिल्ली में जितने लोग आके बसे, सोचिए उनका जो ओरिजिन अलग अलग जगह से है, वो लोग आए और उन लोगों ने रेफ्यूज ली, बिकॉज इंटरनेशनल रिलेशन में क्या हो रहा था, मतलब इंटरनेशनल अफेयर्स में क्या हो रहा था, बहुत सारे अटैक्स हो रहे थे, और उनसे बचने के लिए उनको रिफ्यूज चाहिए। तो बेसिकली कोई भी सिटी कैसे ग्रो करेगी, पॉपुलेशन से ग्रो करेगी, पॉपुलेशन से ग्रो करेगी इन द टर्म्स ऑफ क्वान्टिटी, अगर क्वालिटी में ग्रो करना है तो कैसे ग्रो करेगी, इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी ऑफ पीपल लिविंग ओवर देयर। तो वहाँ पर जो क्वालिटी ऑफ पीपल आए 13th सेंचुरी में, मतलब दूर दूर से अच्छे अच्छे स्कॉलर्स भी आए, तो वो सबसे कहीं ना कहीं दिल्ली का बहुत ज़्यादा ग्रोथ हुआ। अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट चीज़, नेक्स्ट जो है हमारा वो ये है कि दिल्ली एज अ इम्पीरियल कैंप ड्यूरिंग द राइन ऑफ खलजी एंड तुगलक सुल्तान। तो देखिए एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है कि यहाँ पर दिल्ली हमको सिर्फ और सिर्फ एक एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर नहीं, और ना ही केवल सिर्फ और सिर्फ एक मतलब मेट्रोपोलिस के रूप में, बल्कि हमको एक मिलिट्री कैंप के रूप में भी देखने को मिलता है दिल्ली, स्पेशली 14th सेंचुरी के टाइम पे। तो एक चीज़ समझने वाली है कि उस टाइम पर देखिए आपको पता है सीरी और तुगलकाबाद का जो है डेवलपमेंट हो रहा था, तो सीरी और तुगलकाबाद का जब डेवलपमेंट हो रहा था अलाउद्दीन खलजी के अंदर जो है डेवलपमेंट हुआ, तो और गियासुद्दीन खलजी के टाइम पे मतलब सॉरी गियासुद्दीन तुगलक के टाइम पे तुगलकाबाद का, और अलाउद्दीन खलजी के टाइम पे सीरी का। मैं ऑलरेडी आपको सीरी और तुगलकाबाद दोनों समझा चुकी हूँ, उसमें मुझे लगता नहीं आपको समझाने की ज़रूरत है, तो वो उसमें आपको मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि क्या था ऑल एंड ओवर। अब हमें ये समझना है कि जो इम्पीरियल कैंप था सीडी क्यों बनाया गया था, कैसे बनाया गया था, और ये सारी चीज़ें हम समझने वाले हैं। तो होता ये है कि देखिए अलाउद्दीन खलजी के टाइम पे क्या होता है कि एक दो अलग अलग तरीके के होर्ड्स, होर्ड्स आपको पता है ओगेताई एंड छगताई होर्ड्स सेंट्रल एशिया में ग्रो होती है अंडर द लीडरशिप ऑफ काइदू, ठीक है, और वो मतलब नया, पहले तो मंगोल अटैक्स होते ही थे लेकिन थोड़ा कम हो गए थे, लेकिन उसके बाद और ज़्यादा बढ़ गए अलाउद्दीन खलजी के टाइम पे, और वो लोग अटैक करने लग गए, ठीक है, और उनको मतलब नई लीडरशिप मिल गई थी, तो अब वो लोग जो है अटैक करने लग गए थे। तो ये जो मतलब ये जो पूरा का पूरा होर्ड था, मतलब झुंड था या लोगों का, आप कह सकते हो कि भीड़ थी या जाति, ऐसी जाति जो कि अटैक करती है, ठीक है। तो ये जो होर्ड थे ये लोग कैसे थे, ये लोग अटैक कर रहे थे सिर्फ और सिर्फ दिल्ली वाला रीजन नहीं, बल्कि पूरा का पूरा जो रीजन है दोआब का, ठीक है,
दोआब मींस दो रिवर वाटर के बीच वाला रीजन, मतलब पूरा गंगा वाला रीजन है, पूरा अटैक करने के लिए बन चुके थे। तो बेसिकली यहाँ पर जो है बहुत जरूरी हो गया था। अब देखिए कोई अटैक करने आ रहा है तो क्या जरूरी है कि पॉपुलेशन को बचाना। पॉपुलेशन को बचाने के लिए फोर्टिफाइड वॉल्स की जरूरत थी, ठीक है। तो फोर्टिफाइड वॉल्स के लिए क्या करने की जरूरत थी, ऐसी जगह रहने की जरूरत थी जहाँ सप्लाई ऑफ स्टोन हो, ठीक है। फोर्टिफाइड वॉल्स कैसी बनेगी, स्टोन से बनेगी, तब तो ऐसी ब्रिक वाली टेक्नोलॉजी आपको, मतलब ब्रिक जो है वो तो ऑफ कोर्स ही बात रहती है, लेकिन ब्रिक जो है कितनी कमजोर होती है। आपको पहले के जमाने में आप देखोगे कि ब्रिक का यूज नहीं किया जाता, अक्सर स्टोन वॉल्स बनाई जाती थी, ठीक है, ताकि प्रोटेक्शन मिल सके। तो इसलिए जो है क्या कहते हैं, सीरी एक ऐसी जगह थी जो कि अलाउद्दीन खलजी वहां रहने लग गए थे और वो उसको बोलते लग गए थे दारुल खलीफा, ठीक है। और वो जो है मतलब उनका हेडक्वार्टर बन चुका था, और इसलिए उन्होंने जो है क्या कहते हैं, मतलब बेसिकली उन्होंने शुरुआत की थी वहाँ पर फोर्ट्रेस बनाने की, लेकिन उनके सक्सेसर कुतुबुद्दीन मुबारक द्वारा जो है ये कंप्लीट किया गया था। अब जियाउद्दीन बरनी अपनी बुक तारीख के फिरोज शाही में बताते हैं, वो क्या बताते हैं देखिए हम उनकी लाइन पढ़ेंगे, कुछ इस तरीके से बताते हैं वो कि मतलब वो बताते हैं कितने नेग्लिजेंट थे कौन, अलाउद्दीन खलजी के बारे में बताते हैं वो। तो बोलते हैं कि जब मंगोल का टेरर बहुत बढ़ चुका था तो उस टाइम पर जो है, उस टाइम पर फिर जो है मतलब अलाउद्दीन खलजी की नींद से जागते हैं वो, मतलब बोलते ना कि इंसान नेग्लिजेंट है, तो वो ऐसा बताने की कोशिश करते हैं। और फिर वो बोलते हैं कि चलो अब जो प्रोजेक्ट्स है आर्मी के और ये सब छोड़ो, अब जो है इस पे फोकस करो। और जो उन्होंने सीरी के ऊपर एक तरीके का मतलब पहले तो था, मतलब उसको उन्होंने वहाँ पर रहने की जगह बना दी और दारुल खलीफा उसको डिक्लेयर कर दिया। और उसने जो है उन्होंने जो है क्या किया, फोर्ट ऑफ ओल्ड दिल्ली भी बनाया। तो यहाँ पर हमको देखने को मिलता है कि पहले तो मतलब पहले ऐसा बताया जाता है, कुछ सोर्सेज से हमको मालूम पड़ता है कि पहले सिर्फ एक प्लेन वेस्ट ग्राउंड था, ठीक है, सीरी, और अलाउद्दीन खलजी ने वहाँ पर आर्मी लगा के रखे थे, ठीक है, तो 1296 में, ठीक है। और उसके बाद जो है बाद में जाकर जो है वो जो है जो कैपिटल था ओल्ड दिल्ली से बाहर आकर जो है यहाँ पर आके वो रहने लग गए थे, क्योंकि वहाँ पर उनके ऊपर अटैक हो रहा था, उनके ऊपर एक अटैक हुआ था कुतलुक ख्वाजा द्वारा, ठीक है। तो हमें देखने को मिलता है कि बहुत सारे हमको ऐसे रीजंस मिलते हैं कि सीरी का क्यों डेवलपमेंट हुआ एज अ मिलिट्री कैंपेंट। अगर आपको पेपर में आता है तो आप क्या लिखोगे, मिलिट्री इनकैम्पमेंट जैसे कि हुआ, उसके बाद पॉपुलेशन ग्रो हो गई उसके कारण हुआ, और बहुत सारे रीजंस आप पॉइंट आउट कर सकते हैं। लेकिन और दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप सीरी का भी विजिट करने जाओगे तो आपको एक छोटा सा मतलब सिर्फ एक एरिया दिखेगा, उसको आप बोल सकते हो कि सीरी है, बट द पॉइंट इज दैट कि ये मतलब अलेक्जेंडर कनिंगम के अकॉर्डिंग ये सीरी नहीं है। मैं आपको बता दूँ, देखिए ये इस तरीके का कुछ दिखेगा आपको स्ट्रक्चर, ठीक है। इसमें आपको दिखेगा तोहफे वाला गुंबद और एक आध मस्जिद, लाल गुंबद और ये सब सब दिखेगा, ठीक है, ये आपको देखने को मिलेगा, थोड़ा सा रून हो चुका है, ठीक है। लेकिन ये ना क्या कहते हैं, यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि इतना सा जो है क्या कहते हैं सीरी नहीं था, ऐसा मानना है किसका, अलेक्जेंडर कनिंगम का। अलेक्जेंडर कनिंगम का मानना क्या है वो हम समझते हैं। अलेक्जेंडर कनिंगम ये बताते हैं कि ये पूरा का पूरा वास्ट एरिया था जिसके अंदर बहुत सारे तरीके के विलेज विलेज भी था, मतलब विलेज भी उसमें आ जाता था। और सीरी जो है मतलब एक कुतुब दिल्ली से किलो खड़ी के बीच में बहुत लंबा ग्राउंड था, करीबन 1.7 स्क्वायर किलोमीटर्स का ग्राउंड था। तो ऐसा वो बताने की कोशिश करते हैं। हमें बस इतना समझ में आता है कि दो चीज़ें हैं इंपॉर्टेंट। एक चीज़ तो ये है कि पहले सेटलमेंट जो थी सीरी की वो लश्कर थी, लश्कर गाह थी जिसे हम मिलिट्री इंकैम्पमेंट कहते हैं, और जो कुतुब दिल्ली था वो शहर था। तो देखिए सिंपल सी बात है, वहाँ पर ही सब लोग रहते थे पहले ही, मतलब पृथ्वीराज चौहान, उससे पहले तोमार, तो वो वहीं पर रहते थे, मेहरौली भी वहीं बना, कुतुब मॉस भी वहीं बना, वही इम्पोर्टेंट पॉइंट था। उसके बाद जब जाके जो है सीरी लश्कर गाह बना, तब जाके सीरी की इम्पोर्टेंस बढ़ी, ठीक है। और उसके बाद हमको देखने को मिलता है कि वो बताते हैं एक और, मतलब ये दो चीज़ें हमको दो जगह से मालूम पड़ती है। एक तो शेख निजामुद्दीन जो है कमेंट करते हैं, वो बताते हैं कि शहर और लश्कर के बीच में जो है डिस्टेंस कितना है वो बताने की कोशिश करते हैं। अब शहर क्या है, शहर मतलब कुतुब दिल्ली और लश्कर मतलब मिलिट्री कंटोनमेंट। तो ये जो हमको इनकी जो मतलब कमेंट मिलता है, ये हमें कहाँ मिलता है, उनके एक डिसाइपल उन्हें रिकॉर्ड कर लिया, जैसे कि आपके टीचर कुछ बोलते हैं आप लिख लेते हो ना, वैसे ही उनके डिसाइपल ने लिख लिया था कि ये ना क्या कहते हैं फवायदुल फौज में उन्होंने लिख लिया था कि उनका जो सेंट है वो क्या बोल रहे हैं, वो उन्होंने लिख के रख दिया था। सेकेंडली अमीर हसन सिज़दी नाम था उनके उनके फॉलोवर का, उनके डिसाइपल का। तो वो क्या करते हैं, वो खुद आर्मी ऑफिसर थे, ठीक है। तो आर्मी ऑफिसर थे तो ऑफकोर्स सी बात है आर्मी कहाँ, एक मिलिट्री कंटोनमेंट में रहेगी। तो वो बताते हैं कि मैं मिलिट्री कंटोनमेंट में रहता हूँ
और मुझे मस्जिद जाना रहता हो तो मैं नमाज पढ़ने के लिए कहाँ जाता हूँ, जामी मस्जिद जाता हूँ, किलो खड़ी में। ठीक है, किलो खड़ी की जामी मस्जिद की बात हो रही है यहाँ पर, ना कि आप जो अर्लियर कुवतुल इस्लाम मॉस्क की बात नहीं हो रही। ठीक है, अब एक और बात बता दूँ, कुवतुल इस्लाम मॉस्क का नाम कभी कुवतुल इस्लाम मॉस्क था ही नहीं। ठीक है, कभी भी हमको एंशियंट टेक्स्ट में, मतलब एंशियंट क्या, मेडिवल टेक्स्ट में हमको कहीं पर भी देखने को नहीं मिलता है, हमें कुब्बतुल इस्लाम मिलता है, मस्जिद जामी मिलता है। लेकिन अभी जाके थोड़ा सा टाइम पहले जो है, मतलब 19वीं सेंचुरी में, उसका नाम कुवतुल इस्लाम मॉस्क कर दिया गया, थोड़ा सा चेंज कर दिया गया, वो हम समझेंगे आगे वाले टॉपिक में। तो ऐसा क्यों हुआ, उसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर लश्कर गाह जो है वो सीरी में था, और बाद में जाकर हमने आपको बताया कि अलाउद्दीन खलजी क्योंकि अटैक से थोड़ा सा परेशान हो गए थे ओल्ड दिल्ली के अंदर, तो वो लोग वो जाके वहीं पर रहने लग गए। ठीक है, क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रोटेक्शन कहाँ रहेगी, आप खुद ही सोचिए, एक जगह पे जहाँ पर मिलिट्री है, अगर कोई अटैक करने के लिए भी आता है तो मिलिट्री उसको ऑलरेडी डील करेगी, तो ऑफकोर्स ये बात है। तो इसलिए वो दारुल खलीफा नाम से वहाँ रहने लग गए। और ये बात जो है, एक इब्न बतूता, आपको पता है ट्रैवलर थे, उन्होंने अपनी बुक रहला में लिखी है, और जियाउद्दीन बरनी ने जो है सिरदारी की फिरोजशाही में लिखी है। ठीक है, और यजदी एक 14th सेंचुरी हिस्टोरियन है, वो भी जो है बताते हैं अपनी बुक जफरनामा में कि जो सीरी की लोकेशन क्या बताते हैं, वो जहाँपनाह के वेस्ट में बताते हैं, और कुतुब दिल्ली जो है साउथ वेस्ट बताते हैं, मतलब दो अलग अलग जगह है वो मेंशन करते हैं। तो मतलब आपको चार पांच फैक्ट्स मिलते हैं, अगर आपको एग्जाम में आता है तो आप यजदी का नाम लिखिए, तारीख फिरोजशाही दिया, जियाउद्दीन बरनी को लिखिए, यजदी को लिखिए, सबको लिखिए। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको पहले बताया था, इसके पहले हम डिस्कस कर चुके हैं कि वो बताते हैं कि सीरी जो है रफली सर्कुलर है, और मतलब बाद में जाके लोग बोलते हैं कि हाँ सर्कुलर है, बिकॉज जितना दूसरे, मतलब दूसरे जितने दूसरे जो मॉन्यूमेंट्स है, जितना ज़्यादा जो है कहीं ना कहीं यू नो आपको देखने को मिलता है कि दे आर वेरी रेक्टेंगुलर इन शेप। रेक्टेंगुलर मतलब पूरा एरिया को बोला जाता है। ठीक है, तो ये उतना ज़्यादा रेक्टेंगुलर नहीं है, देखिए कुछ ओवल दिख रहा है आपको, ओवल नहीं है वैसे, पेंटागॉन टाइप है, बट ठीक है। ठीक है, तो इसलिए उसको गोल गोल बोला जा रहा है बहुत सारी जगह पे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। इसके बाद हम देखते हैं कि एक टैंक, हाँ बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हौजे खास या फिर जिसको हम हौजे अलाई भी कहते हैं, वो भी जो है क्या कहते हैं, बनाया गया था बाय अलाउद्दीन खलजी। और ये क्यों बनाया गया था, ताकि सीरी और कुतुब दिल्ली दोनों के अंदर जो है कहीं ना कहीं पानी की रिक्वायरमेंट, ठीक है, पानी की रिक्वायरमेंट थी। देखिए जहाँ भी लोग बसेंगे पानी तो लगेगा, तो इसलिए उनके पानी की रिक्वायरमेंट के लिए हौजे खास बनाया गया था, और ये 2 मील दूर था कुतुब दिल्ली से, और थोड़ा सा जो है मतलब लोग जहाँ रहते थे वहाँ से थोड़ा पास था। ठीक है, और उसको जो है यजदी ये भी बताते हैं कि एक तरीके का स्मॉल सी भी बताते हैं, मतलब दरियाचा, मतलब जो है ना पानी भर जाता है जब जैसे कि बारिश के मौसम में, और बाकी पूरा टाइम जो है, अब देखिए एक जगह पे अगर आपने बहुत बड़ा गड्ढा खोद दिया, उसके बाद उसमें पानी भर जाता है, नॉर्मल सी चीज़ें, और फिर वो पूरा ईयर लॉन्ग जो है चलता है, दैट्स द कॉन्सेप्ट। और इतना बड़ा मतलब टैंकर जो है ग्रोथ की जाती है। अब आज के टाइम पे जो है हम देख सकते हैं ये हौज खास विलेज में है, और ये स्क्वायर शेप में है, और हर साइड इसकी कम से कम 60 मीटर है, तो हम देख सकते हैं टोटल स्पेस जो है वो कितनी है, 70 एकड़ है। इसको मैं आपको दिखा देती हूँ तो आपको जो है ना क्लियर हो जाएगा। तो ये जो हौज खास है, आप अगर विजिट कर रहे होंगे आपने कभी, तो हौज खास का जो पूरा विलेज है बहुत खूबसूरत है, आप जाकर देख सकते हैं। तो हौज खास का पूरा कॉम्प्लेक्स है, और वहाँ पर आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा। तो ये उसका कैचमेंट एरिया है। ठीक है, बेसिकली बनाने का मकसद मैंने आपको पहले बताया, पानी को सेव करना था। ठीक है, ये ब्लू प्रिंट है हौस खास का, इसमें आपको बाद में जाकर मदरसा भी फॉर्म होता है, वो हम समझेंगे, मदरसा बाद वाले उसमें फॉर्म होता है, तो ये पूरी तरीके से ब्लू प्रिंट है। ये देखिए मदरसा का फॉर्मेशन, ये मदरसा देख सकते हैं आप, छोटे छोटे रूम हुआ करते थे, और यहाँ पर लोग पढ़ते होंगे ऐसा माना जाता है, और यहाँ पर जो है क्या कहते हैं उनके रहने के लिए छोटे छोटे कमरे थे, बिकॉज रेजिडेंशियल अरेंजमेंट, अगर आप बाहर से आते हो, रेजिडेंशियल अरेंजमेंट बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, होता है कि नहीं, आप अगर आए हो गई दूर से पढ़ने के लिए तो आप सोचोगे मुझे हॉस्टल चाहिए, भले ही सारी फैसिलिटीज ना रहे लेकिन नॉर्मल बेसिक फैसिलिटीज चाहिए। तो अब बेसिकली यहाँ पर आपको देखने को मिलता है कि मदरसा जो है वो भी बिल्ड किया जाता है, और उसके बाद हमको देखने को मिलता है कि हौस खास पे टॉम भी है, टॉम भी आपको देखने को मिलता है हौस खास पे, अगर आप विजिट करोगे। और देखिए यहाँ पर भी बहुत प्यारी नक्शी जो होती है ना, नक्शी यानी जो जाली वर्क होता है, ये देखिए यहाँ पर जाली वर्क किया गया है, कहीं ना कहीं जो पूरा बॉर्डर है ये बॉर्डर पे किया गया है, यहाँ तो आयतें लिखी हुई है, ये नहीं बोल रही हूँ मैं, ये जो है ना जालिया, और ये जालिया मतलब उस टाइम पर जो है क्या कहते हैं नक्शी नक्शी चीज़ों का मतलब ज़्यादा यूज़ हो रहा था, वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। और दूसरी चीज़ ये है, इस पर आप देख सकते हैं
एएसआई ने जो है हौस खास कॉम्प्लेक्स को एक मॉन्यूमेंट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस भी बताया है, ठीक है। और ये हो गया, इसके बाद आप लोकेशन देख सकते हैं ये कहाँ पर है, ठीक है। इसके बाद हौस खास विलेज में क्या क्या आसपास की जगह है वो भी देख लीजिए। हौस खास के पास ही यहाँ पर सीढ़ी है, यहाँ आर के पुरम पड़ेगा, यहाँ सफदरजंग, यहाँ पर आपको सफदरजंग मतलब यहाँ कुतुब इंस्टीट्यूशनल एरिया। और देखिए एक और इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि मतलब भले ही अलाउद्दीन खिलजी, देखिए एक और चीज़ ये है, थोड़ा टाइम ही वहाँ जाके रहे थे, उसके बाद वो वापस आके यहाँ पर रहने लग जाते हैं कुतुब दिल्ली में। कुतुब दिल्ली में जो जामिया मस्जिद है, जामिया मॉस्क है, जिसको मस्जिद जामी बोलो या फिर आप जो कुवत इस्लाम मॉस्क का हो, तो वो जो भी मॉस्क है उसके अंदर आप देख सकते हैं कि उसका जो है ना एक्सटेंशन किया जाता है अलाउद्दीन खिलजी द्वारा। मैं आपको पहले डिस्कस कर चुकी हूँ, मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था और मैंने आपको बहुत सारे वीडियोस में बता चुकी हूँ ऑलरेडी, अगर आपने देखा होगा तो। मैं आपको उसमें बता चुकी हूँ कि जो मॉस्क वाला जो एरिया था ना, वो मॉस्क वाला एरिया को जो है अलाउद्दीन खिलजी द्वारा डबल कर दिया गया था, ठीक है। डबल कर दिया गया था, तो डबल करने का क्या मकसद है वो मैं आपको बताती हूँ। डबल करने का देखिए, ये जो है ना आसपास ये जो पूरा का पूरा एरिया है, तो कुतुब के आसपास ही मस्जिद को बढ़ाया जा रहा है। मतलब मस्जिद वो चाहते तो सीढ़ी में एक नए खोल सकते थे, लेकिन वो उसको नहीं खोल रहे। और अब देखिए आपको एक और चीज़ पता है कि अलाउद्दीन खिलजी और उनके जो सक्सेसर थे कुतुबुद्दीन मुबारक, वो लोग जो है क्या कहते हैं हजार सुतून में रहते थे। हजार सुतून मतलब सीढ़ी फोर्ट्रेस के बाहर हजार सुतून बनाया गया था, वहीं पर रहते थे। हजार सुतून बनाया गया था सीढ़ी फोर्ट्रेस के बाहर। तो ये किसने बताया है कि जो एक ट्रैवलर आते हैं वो बताते हैं इस तरीके की बात, मैं आपको बता दूँ। ये देखिए, इसलिए आपको देखने को मिलता है ना कि 1290 से 1320 तक के 30 साल तक के क्या बताया जाता है कि सीडी को जो है कैपिटल बताया जाता है। सीडी के बाद आपको देखने को मिलता है दूसरे भी है, तुगलकाबाद है, जहाँपना है, फिरोजाबाद है, दीनपना, शीरगढ़ वगैरह। अभी यहाँ पर मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहती हूँ कि जहाँपना है, जहाँपना कहाँ से आता है वो मैं आपको समझाती हूँ। जहाँपना बाद में जाकर क्या होता है ना, उन्होंने सोचा कि जितने भी जो एरिया है जैसे कि मैरौली हुआ, सीढ़ी हुआ, इन सबको जो है ना इनक्लोज करवा देते, तो उसे उन्होंने जहाँपना का परमिशन करवाया। बताती हूँ अभी एक चीज़ आपको, यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है, मैंने आपको एक चीज़ सेकेंड, हाँ, खिलजी खिलजी डायनेस्टी में जो हम देखते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी और उनके जो सक्सेसर थे शिहाबुद्दीन, तो बहुत कम टाइम के लिए रहे, तो हमको उनका कंसिडर नहीं करते, कुतुबुद्दीन को कंसिडर करते हैं। ये कुतुबुद्दीन वाले कुतुबुद्दीन नहीं है ऑफकोर्स की बात है। तो ये जो है उनके सक्सेसर रहे, तो ये भी जो है करीबन करीबन यहीं पर रहे, सीरी में ही रहे, और इनका टाइम पीरियड खलजीज का बहुत कम रहा, लेकिन जो ये लोग ना यहीं पर मेनली कॉन्सेंट्रेटेड थे। उसके बाद हमको समझना है कि ऑफकोर्स की बात यही है, और 14th सेंचुरी में जो इब्न बतौता आते हैं वो बताते हैं कि ये लोग जो है क्या कहते हैं यहीं पर रहते थे। इनका नाम क्या था, कुतुबुद्दीन मुबारक था। दोनों चीज़ क्लियर हो गई है। उसके बाद हम समझते हैं कि मोहम्मद बिन तुगलक बताते हैं कि मोहम्मद बिन तुगलक ने जो है क्या करने की कोशिश की, जो ओल्ड दिल्ली है उसको सीरी से मिलाने की कोशिश की एक वॉल से, जिसको हम कहते हैं जहाँ पना। क्या कहते हैं हम उसको, जहाँ पना। जहाँ पना मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, जहाँ पना मैं आपको बता चुकी हूँ। देखिए जहाँ पना जो है बहुत इंपॉर्टेंट सेंटर बन चुका था, ठीक है। किसके द्वारा बनाया गया था, बाय दी तुगलक्स, तुगलक्स के द्वारा बनाया गया था। हाँ तो देखिए तुगलक द्वारा जब गियासुद्दीन तुगलक आते हैं, ठीक है, उस टाइम पर आपको देखने को मिलता है कि गियासुद्दीन तुगलक जो है वो शुरुआत करते हैं किस चीज़ की, वो शुरुआत करते हैं, एक तो उन्होंने तुगलकाबाद बनाया, उसके बाद उन्होंने सोचा कि चलो मैं जहाँ पनाह बनाता हूँ, और जहाँ पनाह बनाता हूँ ऐसा जहाँ पनाह मतलब ये कि जो ओल्ड दिल्ली है और जो सीरी है उनको एक एरिया में लेकर आ जाओ। तो इसलिए जो है जितने भी तुगलक आए, ठीक है, वो मेनली जो है देखते तुगलकाबाद में रहते थे। और जहाँ पनाह जो है आपको देखने को मिलता है कि कोई मतलब सिटी आपको नहीं दिखेगी, अगर आपको कहीं जहाँ पनाह जाना है तो आप वहाँ जा नहीं सकते, आपको सिर्फ की वॉल्स दिखेगी, ठीक है। मैं आपको जहाँ पनाह के बारे में भी दिखा देती हूँ। तो देखिए जहाँ पनाह फोर्ट सिटी ऑफ दिल्ली मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा बसाई गई, और मंगोल्स के कॉन्स्टेंट थ्रेट के वजह से बसाई गई। जहाँ पनाह का मतलब ही होता है रिफ्यूज ऑफ द वर्ल्ड, मतलब जहान मतलब वर्ल्ड, ठीक है। पनाह, पनाह मांगना, जिसे पनाह लेना मतलब रिफ्यूज लेना, ठीक है। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने अपना नया सिटी जो बनाई थी जहाँ पनाह की, वो कैसी बनाई थी, सीरी और लाल कोट को 13 गेट से जो उन्होंने क्या कर दिया था, इन सर्कल करवा दिया था, ठीक है। और इब्न बतौता भी बताते हैं कि उन्होंने जो है लाल कोट, सीरी, जहाँ पनाह, तुगलकाबाद सबको एक साथ लाना चाहते थे, लेकिन ये प्रोजेक्ट इनकम्प्लीट रह गया, बिकॉज क्या हुआ कि उनके पास इतने ज़्यादा जो है फंड नहीं था, ठीक है। और यजदी बताते हैं कि जहाँ पना जो है मतलब ओल्ड पना, वो जहाँ पना जो है ओल्ड दिल्ली से बड़ी थी। देखिए आपको देखने को मिलता है, ये देखिए
देख सकते हैं आप, ये जो है ओल्ड दिल्ली और ये सीरी और ये जहांपनाह। तो उनका कहने का मतलब ये है कि ओल्ड दिल्ली सीरी से बड़ी थी, पर जहांपनाह जो है ओल्ड दिल्ली से बड़ी थी, और ओल्ड दिल्ली जो है वो सीरी से बड़ी थी। और जहांपनाह के 6 गेट थे, मतलब गेट्स अलग अलग हुआ करते थे जो कि आप देख सकते हो। और ये मतलब चाहते थे कि सब सब चीज़ें एक साथ आ जाए, तो इसलिए उसको इनसर्कल करना चाहते थे। मोहम्मद बिन तुगलक की बहुत सारी स्कीम्स हैं, वो सब हम बाद में समझेंगे। उसके बाद हम देखते हैं कि इस तरीके से आदिलाबाद का फोर्ट का कंस्ट्रक्शन और बहुत सारी चीज़ें हैं उसमें, ठीक है, सतपुला डैम का कंस्ट्रक्शन, विजय मंडल और ये सब चीज़ें। बट यहाँ पर जो है हमारा मेन फोकस किस पे है, हमारा मेन फोकस है अबाउट दी अबाउट वॉट अबाउट हमारा जो है जहाँपनाह के बारे में हमारा मेन फोकस है। अगर आपको क्वेश्चन आता है कि जहाँपनाह क्यों बनाया गया था, तो उसके बारे में आपको लिखना आना चाहिए। अब कुतुब कॉम्प्लेक्स के बारे में बात करते हैं। कुतुब कॉम्प्लेक्स के बारे में हमने ऑलरेडी बहुत बात की है, जितनी बात करो उतनी कम है, बिकॉज कुतुब कॉम्प्लेक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। इसके अंदर आपको टर्किश और इंडिया का जो है ब्लेंड भी देखने को मिलता है। उसके बाद आपको बहुत सारे क्राफ्टमैनशिप देखने को मिलती है। जो वर्कर्स ने यहाँ पर काम किया था, ऑफकोर्स की बात है वो हिंदुस्तान के थे, हिंदूज थे, और उन्होंने जो है क्या कहते हैं, जो ब्यूटीफुल जो आर्किटेक्चरशिप की है वहाँ पर, क्राफ्टमैनशिप की है, वो देखने लायक है। आपको ये भी देखने को मिलेगा कि वहाँ पर दिल्ली की फर्स्ट कॉन्ग्रीगेशनल मॉस्क है, मस्जिद जामी, कुतुब मीनार है, अलाई दरवाज़ा है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि उस टाइम पर आपको देखने को मिलता है कि इस्लाम का मतलब इस्लाम का सिंबल है, पर ठीक है उस टाइम पे जो है इस्लाम का सिंबल भी है। दूसरी चीज़ यहाँ पर आपको देखने को मिलती है कि कुछ नए नए सेटलमेंट्स बनाए गए थे, जैसे कि किलो खड़ी और शेरिनो और सीरी भी जो है इस टाइम पर बनाया गया था आसपास। और ये जो है मतलब एक इम्पॉर्टेंट अर्बन सेंटर बन चुका था, आप कह सकते हैं पहली बार जो है शहर का कॉन्सेप्ट लाया गया था। और सिर्फ ये नहीं है, इससे सोशल रिलीजियस पॉइंट भी था। अब मस्जिद जामी जिसको हम कुतुब अल इस्लाम कहते हैं, कुतुब मॉस कहते हैं, तो यहाँ पर जो है आपको एक तरीके का एक्सट्रैक्ट दिया गया है। तो ये बताया जाता है कि फोकल पॉइंट था सोशल लाइफ ऑफ मुस्लिम इनहेबिटेंट्स की। ये जो है यहाँ पर नमाज पढ़ते थे, फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाते थे, बाहर जो है बाजार बदजन था और वहाँ पर लोग सोशलाइज होते थे। ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो है आपको बताई जा रही है। रेफरेंस क्या है, सुनील कुमार का आर्टिकल है टू सुल्तान्स ऑफ दिल्ली, और उसमें जो है आपको यहाँ पर ये देखने को मिलता है। उसके बाद आपको देखने को मिलता है कि कुतुब मॉस्क जो है बहुत सारे तरीके के उसमें कंस्ट्रक्शन हुए। पहला जो मैंने आपको पहले बताया था, मैं आपको पीपीटी से बता देती हूँ एक और बार, तो आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए क्या होता है ना, हिस्ट्री को जब जितना आप ज़्यादा मतलब पिक्टोरियली पढ़ोगे ना उतना ज़्यादा ईजी रहता है, जितना ज़्यादा आप पिक्टोरियली नहीं पढ़ोगे उतना ज़्यादा मुश्किल रहता है। तो आपको जो है ना, देखिए ये कुतुब कॉम्प्लेक्स की बात हो रही है, यहाँ पर जो है ना अलाई दरवाज़ा है, कुतुब मीनार देखने को मिल रहा है आपको, यहाँ पर क्राफ्टमैनशिप देखने को मिल रही है आपको। ये देखिए कुतुब मीनार पे जो नक्शी की गई है, जो उसके आयतें लिखी गई है, वो कितनी प्यारी तरीके से लिखी गई है। उसके बाद आपको अलाई मीनार देखने को मिल रहा है, फिर मस्जिद जामी देखने को मिल रहा है, ठीक है। उसके बाद आपको देखने को मिल रहा है कि ये जो है मतलब मस्जिद जामी के थ्रू जो है हम देख रहे हैं कुतुब मीनार को। एक कुव्वतुल इस्लाम मॉस्क के अंदर देखिए आर्किटेक्चरशिप किस तरीके से की गई है, कूफी और नक्शी नक्श स्क्रिप्ट का जो है यूज किया गया है। और उसके बाद आपको देखने को मिलता है कैलीग्राफी का काम, या ये इजी नहीं है। अगर आप सोचोगे कितना मुश्किल है ये किसी स्टोन में से क्राफ्ट करना, सोच सकते हो आप? आज के टाइम पे अगर आपको बोला जाए कि स्टोन में से कुछ क्राफ्ट करनी है, कैसे करोगे आप? इस स्टोन की कार्विंग की गई है, कितना मुश्किल होता है वो, है ना, क्या कहते हैं की गई है। और इसका जो पूरा का पूरा इंस्पिरेशन है आप देख सकते हो कहाँ से आया है। एक तो सेंट्रल एशिया से इंस्पायर हुआ है, जो कि गोराइट मिनरेट था, वहाँ से आपको इंस्पिरेशन की देखने को मिलती है। कल्चरल सिग्निफिकेंस की बात करें, मैं आपको पहले बता चुकी हूँ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, क्योंकि यहाँ पर से अजान दी जाती थी, या नमाज पढ़ी जाती थी, या पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ भी होती थी, यहाँ मीटिंग्स होती थी, यहाँ पर जो है अगर किसी को कोई फैसला लेना है, कोई स्ट्राइक करना है, प्रोटेस्ट करना है। ये देखिए फिर वापस कितना ब्यूटीफुल जो है मैं एक्सप्रेस नहीं कर सकती। तो देखिए यहाँ पर जो आर्किटेक्चर है ना, नक्शी स्क्रिप्ट आपको देखने को मिलेगी। जैसे कि नक्शी मैंने आपको बताया था कि जो कैलीग्राफी की जाती है, अगर आप ध्यान से देखो उसमें जो छोटे छोटे फ्लावर्स बना दी जा रही है, ये यहाँ के जो हिंदू कारीगर थे इनका जो है, क्योंकि देखिए इस्लामिक आर्किटेक्चर में जो है, अभी आप आगे पढ़ेंगे, उसमें किसी भी तरीके की फोटो लिविंग ऑब्जेक्ट की अलाउड नहीं है, ठीक है। बट हिंदू क्राफ्टमैनशिप जितने भी थे उनको ऑलरेडी आदत थी, क्या कहते हैं, जितने भी लिविंग ऑब्जेक्ट बनाने की, मूर्तियाँ वगैरह बनाने की, तो उन लोगों ने उनसे कॉन्ट्रास्ट होकर उन्होंने क्या कोशिश की बनाने की, उन्होंने कोशिश की ये बनाने की, मतलब उन्होंने कोशिश की कि इस तरीके का हम बनाए जो जिसमें हम मतलब ब्यूटी तो लाए, लेकिन उसमें हम किसी तरीके का लिविंग ऑब्जेक्ट नहीं यूज कर सकते। इसलिए उन्होंने जो फ्लावर का पैटर्न होता है ना, फ्लोरल पैटर्न उन्होंने यूज किया। पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस हम पढ़ चुके हैं, ठीक है, और उस टाइम पे हम पॉलिटिकल रिलीजन तस्वर के बारे में पढ़ेंगे, बहुत मजा आएगा आपको।
आयरन पिलर के बारे में पढ़ेंगे। आयरन पिलर के बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, वैसे अलाई दरवाजा के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। अब चलते हैं हमारे वापस पीडीएफ में, आपको फोटो इसलिए बार बार दिखाती हूँ ताकि आपके दिमाग में जो है वो चीज़ हो जाए। और देखिए मैंने आपको बताया कि तीन डिफरेंट सिटीज में जो है कंस्ट्रक्शन हुआ था कुतुब मॉस का। पहला जो सिर्फ स्मॉल रेक्टेंगुलर मॉस बनाई गई थी कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा, और उसके बाद 1196 में कंप्लीट हो गई थी। फिर बाद में जाकर एक आर्च स्क्रीन ऐड हुई थी, ठीक है। फिर ईस्ट फेस जो है वो अरेबिक कैलीग्राफी से कुफी नश की स्क्रिप्ट से जो है डेकोरेट किया गया था, जो मैंने आपको अभी फोटो दिखाई। उसके बाद हमको देखने को मिलता है कुतुब मीनार का भी जो है काम चल रहा था उस टाइम पर, और इसकी जो इंस्पिरेशन है कहाँ से आई थी, ख्वाजा सियाश पोश इन सिस्तान, ख्वाजा सियाश सिया पोश इन सिस्तान का घोरा एडमिनरेट था, ठीक है, आपको दिमाग में रखना पड़ेगा। वहाँ पर जो है वहाँ के मतलब वनहार से जो है इंस्क्रिप्शन जो है इंस्पिरेशन आई थी, और ये जो है रेड सैंडस्टोन से बना था, कुरानिक इंस्क्रिप्शन थी इसके ऊपर, और मतलब ये जो है इसलिए बनाया गया था ताकि ये बताना जाता था कि इस्लाम का जो शेडो है ईस्ट और वेस्ट पे जो है क्लेम करने के लिए। उसके बाद आपको देखने को मतलब मैंने आपको भी समझा दिया ये सब चीज़ें कि ये मदीना था, ठीक है। और उसके बाद जो है सैयद अहमद खान, जिसको हम सर सैयद अहमद खान कहते हैं, जो कि एजुकेशनिस्ट थे, उसको मदीना नहीं मानते, ठीक है, और वो बोलते हैं कि नहीं ये मदीना नहीं है, ठीक है, और दूसरी चीज़ कनिंगम बोलते हैं कि मदीना है, ठीक है। और मतलब यहाँ पर हमको अलग अलग चीज़ें देखने को मिलती है। उसके बाद हमको देखने को मिलती है कि मस्जिद जामी जो है इल्तुतमिश के टाइम पे जो दूसरा कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ, मतलब देखिए एक ही मस्जिद को तीन अलग अलग रूलर्स ने 3 सेंचुरी तक के बनाया है। तो पहले तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया, फिर इल्तुतमिश ने बनाया, इल्तुतमिश ने जो है मस्जिद की साइज डबल कर दी, नए नए कोर्टयार्ड्स में क्लॉस्टर ऐड कर दिए, और उसके बाद आर्चेस ऐड कर दिए, ठीक है, और साथ साथ जो है उन्होंने बहुत सारे तरीके से मतलब आज जितनी चीज़ें ड्यून हो चुकी है, मस्जिद से पूरी डिस्ट्रक्ट हो चुकी है। देखेंगे आप ध्यान से अगर वहाँ जाके, आपको दिखेगा कि वो सब चीज़ें जो है डिस्ट्रक्ट हो चुकी है। सेकेंडली आपको देखने को मिलेगा वहाँ पर कि जो इल्तुतमिश के टाइम पे जो 3 फ्लोर थे ना कुतुब मीनार के, वो कम्प्लीट किए गए, ठीक है। उसके बाद हमको देखने को मिलता है कि ऑफकोर्स ही बात है, लोगों के बीच में डाउट है कि इल्तुतमिश ने बनवाया था या कम्प्लीट करवाया था। देखिए अब किसी ने क्या कहते हैं, मतलब ऐसा माना जाता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा जो है ना सिर्फ उसका जो बेस है वो बनाया गया था कुतुब मीनार का। उसके बाद जितना भी 3 मंजिल का काम किया गया वो है ना क्या कहते हैं उत्तुतमिश द्वारा किया गया। बाद में जाकर जो लाइटनिंग हुई तो फिर तुगलक डायनेस्टी के टाइम पर फिर लाइटनिंग को ठीक करवाने के लिए क्या किया गया, लाइटनिंग को ठीक करवाने के लिए फिर से जो है काम किया गया, और बाकी का जो है ऊपर का मेनटेन वगैरह भी ठीक करवाया गया कुछ इस तरीके से, ठीक है। ऐसा है नहीं वो लेकिन अलग है, लेकिन मैंने सब बना दिया, ठीक है। थोड़ा सा टिल्टेड है वो, जरूर टिल्टेड है, लेकिन थोड़ा ऐसा टिल्टेड है कि इतना सेफ है। दूसरी चीज़ हम बात करते हैं थर्ड फेज, मैंने अभी आपको बताया एक अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे थर्ड फेज में, मतलब हम मस्जिद की बात करते हैं तो आज के टाइम पे मैंने आपको अभी अलाई दरवाज़ा दिखा दिया, वो ऐड किया गया। उसके बाद जो है मतलब अलाई मीनार बनवाया जा रहा था, और उसके बाद जो है इल्तुतमिश ने डबल साइज करवाई थी उसकी, फिर डबल किसने करवा दी, अलाउद्दीन खिलजी ने करवा दी, ठीक है, और आर्चेस ऐड करवा दिए, ठीक है। अलाई दरवाज़ा एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है उस टाइम का, क्योंकि आप देख सकते हो बहुत ही प्यारा, बहुत ही प्यारा, मतलब इंडिया का फर्स्ट डूम कंसिडर किया जाता है, मैं आपको पहले बता दी। और इसमें जो है इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर भी आपको देखने को मिलेगा, और 14th सेंचुरी में इसकी शुरुआत हो गई थी। इसका अगर आप, आपको जो है ना आर्किटेक्चरल ब्यूटी एक्सप्लेन करने के लिए आ सकती है, तो कभी भी आप फोटोज देख कर प्रिपेयर करना, फोटोज देख के प्रिपेयर करोगे ना आपको बहुत ईजी होगा कि आप सोचोगे कि भाई मैं है ना क्या कहते हैं दिमाग में रखूंगा अलाई दरवाज़ा ये है। अलाई दरवाजे का इसको हम फर्स्ट डोम कहते हैं इंडिया का, क्योंकि इसके अंदर जो है हमको देखने को मिलता है कि एक तो डोम का जो कॉन्सेप्ट है ये देखने को मिलता है, ये परफेक्ट डोम नहीं है लेकिन आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पर एक छोटा सा आप देख सकते हैं यहाँ पर एक तरीके का ये हिंदू आर्किटेक्चर से लिया गया है, डोम जो है मुस्लिम आर्किटेक्चर है, इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर को जो है मिलाया जा रहा है, ठीक है। उसके बाद जो है डोम का कॉन्सेप्ट बहुत न्यू है, और ये सारे कॉन्सेप्ट जो है ये रेड सैंडस्टोन से बनाए जा रहे हैं, और वाइट मार्बल का भी यूज़ किया जा रहा है। बाद में जाकर आप देखोगे, अभी हम पढ़ेंगे शाहजहानाबाद में, वहाँ पर एक्सक्लूसिवली जो है यूज़ किया जा रहा है मार्बल्स का। तो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है रेड सैंडस्टोन और ये सब चीज़ें, और उसके बाद है ना यहाँ पर रेक्टेंगुलर विंडोज वगैरह सब आपको देखने को मिल रही है, पुरानिक वर्जन देखने को मिल रही है, और बहुत कुछ देखने को मिल रही है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर आपको देखने को मिलता है कि वहाँ पर जो है ना बहुत सारी टसल चल रही थी बिटवीन, मैंने आपको ऊपर बताया था टसल के बारे में। तो वहाँ पर जो थे निजामुद्दीन औलिया जो कि थोड़े सूफीज की तरफ टिल्टेड थे, और अलाउद्दीन खिलजी जो ऐसा बताने की कोशिश कर रहे थे, मतलब देखिए दो चीज़ें होती है ना, एक आप होते हो, ठीक है, आप अगर होते हो तो आप बोलते ना
आप जैसे कि समझ लो सूरज रोज सुबह उठ के बोलता नहीं है कि मैं सूरज हूँ, मैं सूरज हूँ, ठीक है। जो इंसान जो चीज़ नहीं होती अक्सर वो चीज़ बताने की कोशिश करता है, ये बात आप हमेशा याद रखना। उसी चीज़ यहाँ पर ये है कि अलाउद्दीन खिलजी की वहाँ पर जो है कुछ उन्होंने स्टेटमेंट लिखवाए थे कि मैं मुवाहिद हूँ, मैं मुवाहिद हूँ, ठीक है। वो बताने की कोशिश करते थे कि मतलब वो बताने की कोशिश करते थे कि मैं जो हूँ, मतलब मैं जो हूँ कहीं ना कहीं मैंने बहुत ज़्यादा मैं इस्लाम की तरफ टिल्टेड हूँ, भले ही वो हो या ना हो, दैट्स अनदर थिंग। और वो बताने की कोशिश करते थे कि इंस्क्रिप्शन उन्होंने लगवाए थे और वो बताते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी को गॉड द्वारा चूज किया गया है। तो मतलब लोग अपनी पॉलिटिकल अथॉरिटी को कहीं ना कहीं टेस्टिफाई करने के लिए, पॉलिटिकल अथॉरिटी को लेजिटिमाइज करने के लिए कोशिश करते हैं, ये बताने के लिए कि उनको जो है रिलीजियसली चूज किया गया है। जैसे कि आज भी आप देखते हो पॉलिटिक्स में रिलीजन को ला दिया जाता है बीच में, ठीक है, वो अलग कॉन्टेक्स्ट में लाया जाता है। ऐसा नहीं बोलते कि मुझे रिलीजियसली चूज किया गया, बट ऐसा कहते हैं ना कि पॉलिटिक्स को रिलीजन के बीच में ला लेते हैं, कि रिलीजन से वोट मांगा जाता है। तो वैसे ही उस टाइम पे भी ये हो रहा था कि अलाउद्दीन खिलजी तो ऑफकोर्स ही बात है सुल्तान थे, डेमोक्रेसी की तो कुछ बात नहीं थी वहाँ पर, लेकिन उसके बावजूद वो बताने की कोशिश करते हैं दैट ही इज़ अ रिवाइवर, वो इस्लाम के रिवाइवर है, प्रोटेक्टर है शरिया के, इस तरीके से वो बताने की कोशिश करते हैं, ठीक है। और जो मतलब इस्लाम में जो है, मतलब प्रॉफिट मोहम्मद जो है, प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहले बहुत सारे जो है प्रॉफिट आ चुके हैं, और वो प्रॉफिट्स का नाम लेके बताने की कोशिश करते हैं कि जैसे मोसेस एंड सुलेमान, मोसेस एंड सुलेमान मतलब जो प्रॉफिट मोहम्मद है, वैसे ही अक्सर माना जाता है कि प्रॉफिट मोहम्मद एक मिसकंसेप्शन रहता है, क्योंकि लोगों को नॉलेज नहीं रहती है। तो क्या कहते हैं लोगों को, क्या कहते हैं यहाँ पर दिया हुआ है तो मैं आपको बता दूँ, तो यहाँ पर आपको एक ऐसा लगता है लोगों को कि इस्लाम जो है वो एक न्यू रिलीजन है, 1400 ईयर पहले इंट्रोड्यूस किया गया है बाय प्रॉफिट मोहम्मद, बट दैट्स नॉट ट्रू, बिकॉज उससे पहले कई ज़्यादा जो है प्रॉफिट्स आ चुके हैं। आप नेट पर सर्च करके देख सकते हो इनके बारे में, मोसेस के बारे में, सोलोमन के बारे में, और जितने भी प्रॉफिट्स आ चुके हैं उनके बारे में। तो बेसिकली प्रॉफिट मोहम्मद वाज द लास्ट प्रॉफिट, नॉट द फर्स्ट प्रॉफिट, ठीक है। तो ये आया था तो मैंने आपको समझा दिया कॉन्टेक्स्ट के अंदर, अब इसके बारे में आप सर्च करके देख सकते हो। दूसरी चीज़ मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पर जो है कुतुब कॉम्प्लेक्स को लेकर लोगों का अलग अलग तरीके का जो है इंटरप्रिटेशन रहता है, वो भी हम समझते हैं, थोड़ा सा कम्युनल पॉइंट है लेकिन आपको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो देखिए मस्जिद जो है, मतलब वहाँ पर जो बनाई गई थी, और वहाँ पर जो है स्टार्टिंग में ऐसा माना जाता है क्योंकि वहाँ पर कुछ तरीके के टेम्पल्स को डिस्ट्रक्ट करके मस्जिद बनाई गई थी, तो ये चीज़ कहीं ना कहीं थोड़ा कहीं ना कहीं कम्युनल वायलेंस को जो है दर्शाती है। लेकिन नेवर द लेस ये बताने की कोशिश की जा रही है कि वहाँ पर जो है लोग जो है, मतलब आपको देखने को मिल रहा है कि डाइवर्स बैकग्राउंड के बिलोंग करते हैं, और वहाँ पर जो है लोग जो है मतलब बहुत सारी जगह से आते हैं, और वहाँ पर जो है कहीं ना कहीं जो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी है उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। मतलब आपको देखने को मिलेगा कि जो टर्क्स आए थे इंडिया में वो अपने साथ वर्कर्स को नहीं लेकर आए थे, मतलब कहीं ना कहीं जब वो इंडिया में आए तो उन्होंने जो है वो सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम्स के रूलर नहीं थे, ठीक है, बिकॉज इंडिया मेजोरिटी हिंदू का था। इंडिया मतलब उस टाइम का इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, सब कुछ, तो उस टाइम का जो है पर्टिकुलरली इंडिया बेसिकली हिंदूज का था। वो हिंदूज के लिए भी उन्होंने पॉलिसीज लाई, मुस्लिम्स के लिए पॉलिसी लाई, लेकिन वहाँ पर जो है आपको देखने को मिलेगा जो एग्जिस्टिंग कास्ट इनइक्वालिटीज है वो कम होने लग गई, ठीक है। आपको देखेंगे ब्राह्मण का डोमिनेंस कम होने लग गया, बिकॉज उनकी पॉलिसी सबके लिए ओपन थी, उनको क्या करना है कि कोई ब्राह्मण रहे, क्षत्रिय रहे, शूद्र रहे, वैश्य रहे, वो चाहते थे जो आर्किटेक्चर सबसे बेस्ट करेगा उसको जो है रिक्रूट किया जाएगा। तो आप देखोगे जो मस्जिद जामी हो, चाहे जितने भी तरीके के आर्किटेक्चर किए गए हो, ये सब जो है आपको देखने को मिलता है किसके टाइम पे किए गए हैं, ये सब आपको देखने को मिलता है अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे, और उसके पहले कुतुबुद्दीन ऐबक के टाइम पे, जितने भी आर्किटेक्चर किए गए हैं ये सब उनके टाइम पे किए गए। लेकिन हम अक्सर ये भूल जाते हैं कि किया किसने, अलाउद्दीन खिलजी ने थोड़ा किया होगा, उन्होंने करवाया होगा ना, तो वर्कर से करवाया, और बेसिकली ऐसा माना जाता है कि मोस्टली जो है ये सब हिंदू वर्कर्स थे। तो फिर भी आपको देखने को मिलता है कि वहाँ पर जो है मतलब एक तरीके से एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ रही हैं, ठीक है, एग्जिस्टिंग हिंदूज के लिए। और दूसरी चीज़ आपको देखने को मिल रही है कि कहीं ना कहीं जो मटेरियल यूज़ किया गया है हिंदू और जैन टेम्पल से, वो कहीं ना कहीं बताता है कि हो सकता है कि उस टाइम पर कहीं ना कहीं थोड़े से वायलेंस किया गया हो, लेकिन हमको वायलेंस की कोई भी तरीके की मेमोरीज नहीं देखने को मिलती है, लेकिन हमको ये देखने को मिलता है कि कुछ तरीके के जो मटेरियल है वो वहाँ से हमको देखने को मिलता है कि लिया गया है। अब देखिए सैयद अहमद खान बताते हैं, कनिंगम बताते हैं कि जो मटेरियल टूट चुका था, खराब हो चुका था, प्लंडर हो चुका था, मतलब जो ऐसे मटेरियल थे वो सब मटेरियल को यूज़ करके जो है बनाया गया,
और ये बनाने का जो है मकसद ये था ताकि ये बताया जा सके कि मुस्लिम रूल जो है वो स्टैब्लिश हो चुका है इंडिया के अंदर। और दूसरी चीज़ यहाँ पर हमको देखने को मिलती है कि देखिए एक चीज़ अलग होती है कि मैंने आपको बताया कुव्वत इस्लाम यानी माइट ऑफ इस्लाम होता है। कुव्वत मतलब होती है माइट मतलब पावर। ये वर्ड कभी भी यूज़ नहीं किया गया था पास्ट में, हमेशा से जो वर्ड यूज़ किया गया था वो कुव्वतुल इस्लाम या कुतुब मॉस इस तरीके से यूज़ किया गया था, तो बाद में जाकर उसको चेंज कर दिया गया कुव्वतुल इस्लाम मॉस से कर दिया गया। अब देखिए आपको उसमें देखने को मिलेगा कि अलग अलग स्कॉलर्स का अलग अलग मानना होता है। देखिए आपको कभी भी क्या सोचना चाहिए अनसेक्युलरली या फिर आपको कम्युनलिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं सोचना चाहिए जब आप हिस्ट्री को पढ़ रहे हो, क्योंकि एज अ हिस्टोरियन आपका काम होता है अनबायस तरीके से सोचना। बाकी आप अनबायस तरीके से सोच नहीं सकते हो, लेकिन जो यहाँ पर बताया जाता है कि बहुत सारे जो हिस्टोरियंस हैं जैसे कि मिकाइल मिस्टर मोहम्मद मुजीब एबीएम हुसैन, वो बताने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि इस्लामिक इंस्पिरेशन वहाँ से ली गई, लेकिन हिंदू वर्कर्स को काम दिया गया, इंडिजिनस का क्राफ्टमैनशिप को प्रमोट किया गया। मतलब कहीं ना कहीं जो है इस्लामिक जो है इंटर कम्युनिटी कोऑपरेशन देखने को मिलता है। मतलब देखिए एक हिंदू एक मस्जिद की कंस्ट्रक्शन में काम कर रहा है और दिल लगा के काम कर रहा है, ठीक है। एक सेकुलरिटी का एग्जाम्पल मिल गया, एक भाईचारे का, फ्रेटर्निटी का। मतलब मुस्लिम हिंदू उस टाइम पे पीसफुली रह रहे थे, वहाँ पर जो है काम करा जा रहा है, नक्शी बनाई जा रही है, कितना अच्छे से मतलब हर चीज़ काम की जा रही है, और वहाँ पर जो है क्या कहते हैं हिंदू भी खुश है मुस्लिम भी खुश है। क्योंकि देखिए आज इंडिया में जब क्या कहते हैं कास्ट सिस्टम जो है बहुत ज़्यादा पीक पे था, और आपको देखने को मिलेगा जब सल्तनत आए इंडिया में और क्या कहते हैं जो ब्राह्मण का डोमिनेंस है उसको चैलेंज किया, जो शूद्र है अति शूद्र है उनको अपॉर्चुनिटीज मिली। अगर वो लोग अच्छे क्राफ्टमैन है तो सामने आकर जो है अपनी स्किल्स दिखा सकते हैं और उनको कहीं ना कहीं जॉब अपॉर्चुनिटीज मिली, तो उनको तो यही चाहिए था, ठीक है, उनको तो यही चाहिए था। और इससे आपको देखने को मिलता है कि इंटर कम्युनिटी कॉपरेशन और अमिटी भी हमको देखने को मिलती है। उसके बाद आपको देखने को मिलता है कि आपको देखा होगा कि मतलब ऐसा नहीं है कि जो हिंदू की डिजाइन है वो नहीं दी गई, इसलिए मैंने आपको बताया कि जो खालसा टॉवर है उसका सिंबल मैंने आपको बताया किस तरीके से यूज किया गया है। 14th सेंचुरी आदि अंत तक हमको देखने को मिल रहा है इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर का मेंशन हमको देखने को मिल रहा है। लेकिन कुछ लोग हैं जो कि क्या कहते हैं अफकोर्स की बात है कि इंडिया में जब ब्रिटिशर्स आए तो उन्होंने सोचा कि नहीं क्या कहते हैं थोड़ा सा कम्युनल वायलेंस क्रिएट किया जाए, तो कम्युनल वायलेंस क्रिएट करने के लिए पता है उस तरीके के राइटिंग्स लिखी गई थी 18th-19th सेंचुरी में। एंथोनी वेल्च एंड रॉबर्ट हेलन ब्रांड बताते हैं कि हाँ चलो मान लिया उस टाइम पे सेक्युलर इंटरप्रिटेशन के बारे में, लेकिन वो बोलते हैं कि मतलब बेसिकली वो बताने की कोशिश करते हैं कि मुस्लिम जो थे उन्होंने क्या कहते हैं हम अपनी खुद की प्रैक्टिस कॉम्प्रोमाइज़ नहीं की, और कहीं ना कहीं हिंदू क्राफ्टमैन को ही जो है क्या कहते हैं मुस्लिम के अकॉर्डिंग जो है ढलना पड़ा, ठीक है। और मतलब ये जो है कहीं ना कहीं बाद में जाकर जो है कहीं ना कहीं एक तरीके से थोड़ा सा टकरार पैदा करने के लिए इस तरीके की चीज़ें देते थे, जैसे कि JS मिल ने अलग अलग पीरियड्स में बांट दिया था हिस्ट्री को, बोल दिया था हिंदू पीरियड, मुस्लिम पीरियड और फिर ब्रिटेन पीरियड, क्रिश्चियन पीरियड, इस तरीके से बांट दिया था। तो मतलब इस तरीके के जो कॉलोनियल इंटरप्रिटेशन होते हैं ये आपको समझने आना चाहिए। और वो बताने की कोशिश करते हैं कि कुतुब मीनार जो है वो क्या काम कर रहा है, दारुल इस्लाम मतलब लैंड ऑफ इस्लाम स्टेब्लिश हो चुका है। भले लैंड ऑफ इस्लाम स्टेब्लिश हो चुका हो मतलब एक मुस्लिम रूलर आ चुका हो, लेकिन आपको हमेशा याद रखना है कि इंडिया में मुस्लिम रूलर्स भी आए हैं और हिंदू और मुस्लिम हारमोनी से रहे हैं, हिंदू रूलर्स आए हैं हिंदू और मुस्लिम हारमोनी से रहे हैं, लेकिन ब्रिटिशर्स जब आए तो इतना ज़्यादा कम्युनल वायलेंस क्रिएट कर दिया, क्योंकि इतने टाइम से जो सब लोग साथ में रहते थे उनको बीच में उन्होंने कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलता है कि एक तरीके का कॉन्ट्रास्ट पैदा कर दिया। एक और चीज़ इम्पॉर्टेंट ये है कि जो टॉवरिंग स्ट्रक्चर था उसमें क्या आयतें लिखाई गई थी, उसमें जो मेन प्रिंसिपल्स होते हैं इस्लाम के वो लिखवाए गए थे, जैसे कि आपको जो है नमाज पढ़नी है, ठीक है, रोज़े रखने हैं, ऐसे जो है ऐसी आयतें लिखवाई गई थी। मतलब कोई भी तरीके की अफकोर्स सी बात है रिलीजन में कोई भी तरीके का रिलीजन में कम्युनल वायलेंस की कभी बात होती नहीं है, तो उसमें आयतें भी जो इंस्क्राइब थी वो आयतें कौन सी इंस्क्राइब थी, वही आयतें डिस्क्राइब थी जो कि क्या कहते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ इस्लाम है, और ना कि जो है क्या कहते हैं कम्युनल वायलेंस स्प्रेड करने की कोशिश की जा रही है। उसी बात हमको देखने को मिलता है कि यहाँ पर जो है वेल्च जो है अपना खुद का जो है क्या कहते हैं स्टेटमेंट देते रहते हैं, और वेल्च जो है क्या क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, एक तरीके से ये क्रिएट करने की कोशिश करते हैं कि हिंदू मुस्लिम इंफीरियरिटी जो है वो क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, और इसलिए बाद में जाकर उसका नाम जो है वो माइट ऑफ इस्लाम भी रख देते हैं, बल्कि माइट ऑफ इस्लाम जैसा कुछ उसमें था ही नहीं। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि कुतुब मॉन्यूमेंट जो है एक तरीके से देखो बताया जाता है कि आपको देखने को मिलता है कि ऑफ कोर्स ही बात है मुइजुद्दीन गोरी जो है मुइजुद्दीन गोरी ने जो है अनेक्स किया था इस टेरिटरी को, लेकिन उन्होंने रूल नहीं किया, किसके हाथ में दे दिया, उनके गवर्नर के हाथ में,
दे दिया कुतुबुद्दीन ऐबक, जो कि उनके फेवरेट गवर्नर थे, और उनको जो है वली अहद बना दिया, और उनको जो है कि हर तरीके से गिफ्ट मिलते थे। और बेसिकली मतलब उन्होंने जो है क्या कहते हैं, उनको कोई मन नहीं था कि वो रूल करें, ठीक है, और ना क्या कहते हैं, इसलिए उन्होंने कुतुबुद्दीन ऐबक को दे दिया। और देखिए आपको देखने को मिलेगा कि जब बहुत सारे मिनिस्टर्स होते थे, फौर सी बात है, तो उनके बीच में राइवलरी थी, लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक को चूज़ करना भी एक तरीके का स्ट्रेटेजिक पोजीशन था, क्योंकि मिन्हाज सिराज बताते हैं, मिन्हाज सिराज आपको पता होना चाहिए, और जो है क्या कहते हैं अपनी बुक में बताते हैं कि कुतुबुद्दीन ऐबक जो है सही है, अमीरुल उमारा उनको बनाया गया, मतलब द चीफ ऑफ मिलिट्री कमांडर्स बनाया गया, और बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो ज़्यादा ब्रेव है, एम्बिशियस है, और इस तरीके से मतलब बताया जा रहा है कि उस टाइम पर जो है देखने को मिल रहा है कि ये जो है उनको चूज़ करने के पीछे कुछ ना कुछ मकसद है, क्योंकि देखिए बहुत सारे उनके मिनिस्टर्स हुआ करते थे, लेकिन उनके ऊपर जो उनके फेवरेट मिनिस्टर थे, ऑफ कोर्स ही बात है उनको चूज़ करेंगे वो, तो इसलिए फेवरेट मिनिस्टर कौन थे उनके, जो थे कुतुबुद्दीन ऐबक थे, इसलिए उनको चूज़ किया गया। और यही चीज़ हमको बताती है पर्शियन क्रॉनिकल फ़ख्रे मुदब्बिर, ठीक है, फ़ख्रे मुदब्बिर ने किसके बारे में लिखा है, कुतुबुद्दीन के बारे में लिखा है, और वो यही बताते हैं कि मुइजुद्दीन गोरी के वो फेवरेट कॉम्पिटेंट मिलिट्री स्लेव थे, ठीक है, और यही चीज़ जो है हमको मिन्हाज सिराज के वर्क में से भी देखने को मिलती है। अब सेक्रेड ऑरा की बात करें तो 13th सेंचुरी आने आने तक की दिल्ली एक बहुत बड़ी मेगा सिटी बन गई थी, और मैंने आपको पहले बताया कि इल्तुतमिश के टाइम पे ही, इल्तुतमिश मतलब अलाउद्दीन खिलजी के पहले थे, तो इल्तुतमिश के टाइम पे ही बहुत सारे लोग जो है चंगेज़ खान के डर के कारण इंडिया में मतलब दिल्ली में भाग भाग के आ रहे थे, और वहाँ पर लोगों को जो है क्या कहते हैं जगह दी जा रही थी, पनाह दी जा रही थी, और बहुत ज़्यादा प्रोफेशनलिज्म का ग्रोथ हो रहा था, बिकॉज प्रोफेशनलिज्म बढ़ते जा रहा था, लोग जो है आते जा रहे थे, और उस टाइम पर अर्बन लाइफ भी आ रही थी, अर्बन लाइफ बहुत सारे तरीके से आ रहे थे। लेकिन एक टाइम ऐसा आया कि उस टाइम पर मैंने आपको बताया कि जब अलाउद्दीन खिलजी रूल कर रहे थे, तो वहाँ पर जो है अटैक हो जाता है किसका, चंगेज़ खान के, जो मतलब दो तरीके के होर्ड्स होते हैं, वहाँ पर जो है अटैक हो जाता है। अब क्या होता है उस टाइम पर अटैक होता है, तो अब देखिए जब कोई भी तरीके का अटैक होता है, वॉर होता है, तो पूरी तरीके से जो लाइफ है आपकी वो बिल्कुल स्टैंड स्टिल हो जाती है, और वो एक ऐसी जगह थी जहाँ पर आप जो है क्या कहते हैं आप मतलब प्रोटेक्शन ले सकते हो, तो मस्जिद में जा जाके सब लोग छुप रहे थे। ऐसा नहीं है कि हिंदू है मुस्लिम, देखिए यहाँ पर भी आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा कि आपको जो है यूनिटी देखने को मिलेगी, तो मतलब जो भी इंसान है जहाँ से भी आ रहा है मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता, वो लोग जो है कहीं ना कहीं आकर जो है मस्जिद में जो है पनाह लेते हैं, पनाह इन द सेंस दैट दे आर ट्राइंग टू हैव रिफ्यूज इन दी मस्जिद, तो कहीं ना कहीं एक बहुत इंपॉर्टेंट सेंटर बन चुका था, और यही चीज़ जो है बताते हैं अपनी बुक में मिन्हाज। और वो सब हम डिस्कस कर चुके हैं, बार 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 आपकी बुक में वही बताया जा रहा है कि इल्तुतमिश ने जो है साइज को डबल कर दिया था, फिर अलाउद्दीन खिलजी ने और ज़्यादा पैसा लगाया और ज़्यादा उसको डबल कर दिया, दोनों भी जो है कहीं ना कहीं ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि वो शरिया के प्रिजर्वर्स हैं, और शेख निज़ामुद्दीन चिश्ती जो उनकी दरगाह थी उस टाइम पर आपको देखने को मिलता है, वो भी बताते हैं कि दरगाह बाद में जाके बनी है, ऑफकोर्स सी बात है, तो वो बहुत ज़्यादा फेमस हो गई, और उसकी बात ये है कि इतनी ज़्यादा फेमस हो गई कि दरगाह 14th सेंचुरी में कि मस्जिद जामे की जो इम्पोर्टेंस है ना वो कम हो गई कहीं ना कहीं, और कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की दरगाह जो है वो भी इतनी इम्पोर्टेंट बन गई कि जो है मस्जिद जामे की इम्पोर्टेंस 14th सेंचुरी में कम हो जाती है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि मिन्हाज सिराज अपनी बुक तबकात नासरी में बताते हैं कि उबतुल इस्लाम को वर्ड को यूज़ करते हैं जो कि मॉस के लिए, वैसे भी फिगरेटिव वर्ड यूज़ हुआ था, लेकिन बाद में जाकर जो है वो कहीं ना कहीं बाद में जाके वो कर ट्रांसफॉर्म हो गया कुवतुल इस्लाम मॉस के अंदर, ठीक है, जो कि बल्कि वो थी नहीं। और आपको एक और चीज़ देखने को मिलती है कि मस्जिद को जो है कुवतुल इस्लाम जो है बताया जा रहा है, मतलब कुवतुल इस्लाम मतलब माइट ऑफ इस्लाम, और ये भी आपको देखने को मिल रहा है कि मेडिवल पर्शियन सोर्सेज में ऐसा कोई मेंशन नहीं है, बार बार आपको ये बता दिया जा रहा है, बल्कि ये जो है पॉपुलर कल्चर में जो है लोगों ने यूज़ किया, इसलिए हम उसको आज कुवतुल इस्लाम मॉस कहते हैं। तो हम इस पर सम अप कर सकते हैं कि दिल्ली सुल्तान और उनके आइडियोलॉजी को बताया जा रहा है इस पर्टिकुलर पूरे के पूरे कुतुब कॉम्प्लेक्स में, अगर आप जाओगे आपको पूरा का पूरा जो है आइडियोलॉजी दिखेगी, और बहुत इंटरेस्टिंग सा लगेगा आपको, इंटरेस्टिंग सा फील आएगा। उसके बाद हम बात करते हैं कि सल्तनत, अभी हम कॉन्क्लूजन पे आ चुके हैं, हमारा पूरा चैप्टर खत्म हो चुका है होपफुली, और ये चैप्टर में बहुत मज़ा आया मुझे ऐसा लगता है आपको, मुझे तो बहुत अच्छा लगा, बिकॉज ये चैप्टर में हमने बहुत डिटेल में डिस्कस किया दिल्ली सल्तनत के बारे में, हमने डिटेल में समझा कि इस तरीके से मॉस्क का और कुतुब मीनार का, जहाँ पना का, सीढ़ी का, लोखड़ी का, गियासपुर का, तुगलकाबाद का क्या इंपॉर्टेंस है, किस तरीके से ग्रोथ हुई, हौस खास सब चीज़ें हमने समझी, और ये बहुत इंपॉर्टेंट था क्योंकि आपको दिल्ली के अंदर जो है दिल्ली किस टाइम से बनी, कैसी बनी, जो आपको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। अब ये हमने डिस्कस कर दिया, कंक्लूजन हमारे पास आ चुका है, हम जो है एक बार कंक्लूड कर लेते हैं इसको।
अब नेक्स्ट चैप्टर में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, हम शाहजहाँ बात को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि मुगल एम्परर शाहजहाँ द्वारा बनाया गया था। और उससे पहले हम क्या डिस्कस कर चुके हैं, हम डिस्कस कर चुके हैं दी ज्योग्राफिकल फैक्टर्स। एक तो क्लोजनेस टू द रिवर, ये इम्पोर्टेंट फैक्टर था, अगर आपको एग्जाम में आता है कि दिल्ली क्यों डेवलप हुआ था कमर्शियल सेंटर, उसी चीज़ अरावली माउंटेन्स का एक तरीके से यू नो नेचर प्रोटेक्शन। उसके बाद हम देखेंगे कि बहुत सारे मतलब अलग अलग रीजन्स हो सकते हैं, जोग्राफिकल, पॉलिटिकल, हिस्टोरिकल, ऐसे सारे रीजन्स थे जो कि इम्पोर्टेंट रिलीजियस रीजन्स भी यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं। और शाहजहाँबाद में जो हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे उस बारे में, शाहजहाँबाद के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे, तो अभी मैं शाहजहाँबाद को यहाँ नहीं ले रही हूँ। अब हमको देखने को मिल रहा है कि 13वीं सेंचुरी में मैंने आपको बताया जो स्टाइल यूज हो रहा है, इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर है जिसके अंदर हिंदू इस्लामिक ट्रेडिशन दोनों जो है मिक्स हो रहे हैं। टर्किश जो है अपने खुद के मतलब बिलीफ को तो रख रहे हैं लेकिन साथ साथ इंडियंस की बिलीफ को भी इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, और साथ साथ उनके खुद के भी आइडियाज़ हैं, और साथ साथ आर्टिस्टिक जीनियस भी जो है वो लोग अपना आइडियाज़ ले रहे हैं। तो बेसिकली एक तरीके से बताया जा रहा है कि उस टाइम पर नए नए तरीके की स्टोन्स का यूज़ हो रहा है, और क्योंकि देखिए मैं आपको बता रही थी कि स्कल्पचर ऑफ ह्यूमन एंड एनिमल फिगर, देखिए उस टाइम पर जो है एनिमल फिगर, और उस टाइम पे क्या है इस्लाम में जो है ह्यूमन और एनिमल फिगर मतलब जिंदा चीज़ों की तस्वीर बनाना जो है वो बना है, इसलिए जो है कहीं ना कहीं बहुत सारी आर्चेस का भी यूज़ कर सकते हो, डोम्स का यूज़ कर सकते हो, लेकिन एनिमल फिगर्स का यूज़ नहीं कर सकते किसी भी फॉर्म में। और इसलिए जो है एक तरीके की इस तरीके की कैलीग्राफी का निकल कर आती है, इसको म्यूरल कैलीग्राफी कहते हैं। मतलब आपको देखने को मिलता है इसके अंदर पैटर्न आपको देखने को मिल रहा है, फ्लोरल पैटर्न आपको देखने को मिल रहा है। उसके बाद आपको देखने को मिल रहा है कि आपको आर्ट स्टोन भी देखने को मिल रहे हैं, और साथ साथ बहुत सारे अलग अलग तरीके के मटेरियल भी देखने को मिल रहे हैं। और उसके अलावा आपको देखने को मिलता है लाइम मॉर्टर का भी यूज़ किया जा रहा है एज सीमेंटिंग मटेरियल। अगर आपको आर्किटेक्चरल डिस्क्रिप्शन देने को आया ना, ये सब आपको लिखना है, ठीक है, तो ध्यान से समझ जाइए। और कुतुब कॉम्प्लेक्स के जितने मॉन्यूमेंट्स हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कुवतुल इस्लाम मॉस जो कि फर्स्ट इस्लामिक बिल्डिंग थी नॉर्थ इंडिया में कंस्ट्रक्ट की गई थी, जो फर्स्ट इस्लामिक बिल्डिंग नॉर्थ इंडिया की, देखिए साउथ इंडिया में पहले कंस्ट्रक्ट करी जा चुकी थी, नॉर्थ इंडिया की हम बात कर रहे हैं। और ये बताया जा रहा है कि मतलब यहाँ पर जो है कहीं ना कहीं लोगों का जो आर्टिशंस का जो यूज़ किया गया है, और जो म्यूरल कैलीग्राफी का जो यूज़ किया गया है, और ये सब चीज़ों का यूज़ किया गया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट जो है एग्जाम्पल है आर्ट का। उसके बाद हम समझते हैं कि 13वीं सेंचुरी में हमको देखने को मिलता है कि इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर का सेकेंड स्टेज देखने को मिल रहा है, और धीरे 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 देखिए हुमायूं टॉम आने आने तक के अभी हम पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, धीरे धीरे हम देखेंगे कि हिंदू आर्ट ट्रेडिशन जो है ना डिसअपेयर नहीं हो रहा है, वो कहीं ना कहीं मिक्स हो जा रहा है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं देखते हैं टॉम मॉस दरगाह फोर्ट जो भी बनवाया जा रहा है वो सब जो है कहीं ना कहीं हिंदू ट्रेडिशन और मुस्लिम ट्रेडिशन को मिक्स करके बनवाया जा रहा है। तो आई होप इट्स क्लियर टू यू, सारी चीज़ें आपको क्लियर हो चुकी हैं। अगर आपको ये क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं ज़रूर क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, ठीक है। अगर आप चाहो तो मैं आपके क्वेश्चन जो है ये इवेलुएट कर सकती हूँ, अगर आप मुझे इसके आंसर्स लिख के भेजोगे ऑन टेलीग्राम चैनल, ठीक है। टेलीग्राम चैनल पे जो है आप मुझे भेज सकते हो, ठीक है, आपके आंसर्स लिख कर, और मैं जल्दी इसके सॉल्यूशन भी बताने वाली हूँ, तो आप जो है मुझे आंसर लिख के भेज सकते हो। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आ सकते हैं आपको एग्जाम्स में, ठीक है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन दिए होते हैं सॉल्व के मटेरियल में आप कंसिडर कर सकते हो। तो अब मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ, जो कि हमारा यूनिट नंबर 3 होने वाला है। आई होप यू एंजॉय द वीडियो, इसके नोट्स मैं बना रही हूँ, जल्दी अपलोड हो जाएंगे ऑन टेलीग्राम चैनल। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 16वीं टू 17वीं सेंचुरी का दिल्ली। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, एक नए चैप्टर के साथ। टिल देन बाय एंड हैप्पी लर्निंग।